गुड न्यूज के साथ आए टाइगर श्रॉफ। क्या टाइगर बन गए हैं टाइप्ड एक्टर्स एक्शन के मामले में? क्या कहना है क्रिटिक्स का फिल्म को लेकर? बागी की चौथी इंस्टॉलमेंट आने वाली है। 2016 में रिलीज हुई बागी में श्रद्धा और टाइगर मेन लीड में थे। फिर बागी 2 में 2018 में रिलीज हुई थी, जिसमें टाइगर के साथ दिशा पाटनी मेन लीड में थी। फिर 2020 में आई बागी 3, जो कोरोना की वजह से प्रदर्शन नहीं दिखा पाई, लेकिन इस बार पार्ट 4 में टाइगर के साथ श्रद्धा कपूर दोबारा लौटी हैं। पिछले तीनों फिल्मों को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, लेकिन कमाई के मामले में पहले दो पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस किया था। बागी 4 मार्च 2023 या 2024 तक रिलीज होगी। फिल्म बागी 4 के निर्देशक है अहमद खान। इस फिल्म की खास बात यह है कि वो बागी जो पहले समाज के खिलाफ था, आर्मी के खिलाफ था, इस फिल्म में वो पूरे राष्ट्र के खिलाफ होगा। इंडियन आर्मी का पारा SF सोल्जर रणवीर प्रताप सिंह उर्फ रॉनी एक बार फिर वापस आया है, पहले से और भी मजबूत होकर। और इससे ये साफ साफ पता चलता है कि ये एक घोर एक्शन फिल्म है और टाइगर श्रॉफ इसमें भी अपनी ऊंची छलांगों और अपने खतरनाक स्टंट से लोगों का दिल बहलाने वाले हैं। लेकिन फिर से ये सब देखकर यही लगता है कि टाइगर अब टाइप्ड हो चुके हैं। एक्शन एक्शन और सिर्फ एक्शन। माना कि टाइगर की बॉडी और उसके एक्शन और स्टंट्स लोगों को एक्साइट करते हैं, लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है। यूं लगता है कि टाइगर श्रॉफ की इमेज सिर्फ एक एक्शन हीरो की ही रह गई है, और अगर टाइगर एक्शन नहीं करेंगे तो वो टाइगर नहीं कहलाएंगे। किसी भी हीरो के लिए एक एक्टर होना ज्यादा अहमियत रखता है। एक्शन, डांस और फिटनेस तो सेकेंडरी है, इसलिए टाइगर को जल्द अपने लिए कुछ और भी सोचना जरूरी है। हालांकि टाइगर के चाहने वालों के लिए ये बागी 4 एक और एक्शन पैक रोमांच की खुशखबरी लेकर आया है। लोगों को जो चाहिए उन्हें वही मिलने वाला है। टाइगर के स्टंट्स और एक्शन शायद उनके चाहने वालों को कभी बोर न करे, लेकिन फिल्म क्रिटिक्स देर सवेर ये बात बोल ही देंगे कि भाई टाइगर मियां थोड़ा कम उछल कूद करे, अब हम बोर हो गए हैं। और कोई क्रिटिक्स बुराई करे या ना करे, लेकिन KRK साहब तो वैसे भी बॉलीवुड पर निशाना साधे रहते हैं। ऊपर से अगर वो नेपो किड है तो मतलब खत्म, टाटा गुड बाय। ऐसी ऐसी बात बोलते ही खुद शर्म भी शर्मा जाए। और जब बागी 3 आई तब भी KRK ने ऐसे ऐसे बात किए कि मतलब पूछो ही मत। KRK ने कहा, अहमद खान जैसे डायरेक्टर और फरहाद सामजी जैसे राइटर की रितेश देशमुख जैसे टैलेंटेड एक्टर को वेस्ट कर सकते हैं और वेस्ट एक्टर को हीरो बना सकते हैं। बागी 3 सिर्फ हार्डकोर एक्शन लवर्स के लिए फिल्म है जो गुंडागर्दी करते हैं, बिना लॉजिक की है बागी 3। इस तरह से KRK ने क्रिटिसाइज किया था बागी 3 को। खैर, अब ये देखना होगा कि KRK बागी 4 पर क्या क्रिटिसिज्म फैलाता है। वेल, अब इसी के साथ खत्म करते हैं बातों का सिलसिला, लेकिन आप बस हम पर एक मेहरबानी करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और हम कहां भागे जा रहे हैं? टाइगर जिंदा है का कनेक्शन फिल्म से। लोग टाइगर के फिल्मों को आखिर क्यों देखने जाते हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज, और मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त लीशा चोपड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ स्टारडम से भरी मूवी बागी 4 से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। काफी दिनों से लोग टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 का इंतजार कर रहे हैं। पिछले ही दिनों जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था तो लोगों को फिल्म की झलक देखने के लिए काफी उतावला देखा गया था। इतना ही नहीं, बागी 4 के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग ये साबित हो ही गया है कि उनकी इस फिल्म में सिर्फ एक्शन होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सलमान खान की फिल्मों में होता है। थोड़ा गौर करें तो पता चलेगा कि टाइगर श्रॉफ ने सलमान खान को अपने अंदर उतार लिया है। अब सवाल ये है कि फिल्म आखिर होगी कैसे? तो अगर आपने सलमान खान की टाइगर जिंदा है देखी है और वो फिल्म आपको अच्छी लगी थी तो बेशक बागी 4 आपको पसंद आएगी। वैसे भी टाइगर श्रॉफ की फिल्मों को लोग सिर्फ एक्शन के लिए देखने जाते हैं, जैसे सलमान खान की फिल्म को लोग सिर्फ एक्शन के लिए देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे टाइगर श्रॉफ ने सलमान खान को अपने अंदर उतारने वाले काम किए हैं। जिस तरह सलमान खान की कोई भी फिल्म बिना एक्शन के अधूरी सी लगती है, ठीक उसी तरह टाइगर श्रॉफ की फिल्म देखने गए लोग ये मानकर ही सिनेमा हॉल में घुसते हैं कि आज तो टाइगर सब धुआं धुआं कर देगा। बागी फ्रेंचाइज की बाकी 3 फिल्में भी एक्शन से भरपूर थी और बागी 4 में तो एक्शन का डबल नहीं ट्रिपल डोज लग रहा है।
सलमान खान की फिल्म लोगों को दो चीजें ध्यान में रखकर देखने जाते हैं, पहला है बॉडी और दूसरा है जलवा। टाइगर श्रॉफ ने सलमान वाली बॉडी तो पहले ही बना ली थी, अब अपनी एक्शन फिल्मों से उनके जैसा जलवा भी बना लिया है। टाइगर जिंदा है देख चुके लोग ये जानते ही होंगे कि उसमें सलमान खान एक मिशन पर थे जिसके तहत उन्हें ISI के चंगुल में फंसी भारतीय नर्सों को छुड़ाना था। उन्हीं की तरह टाइगर श्रॉफ भी बागी 3 में एक मिशन पर हैं। खास बात यह है कि दोनों ही गल्फ देश में जाकर ISI के खिलाफ लड़ रहे हैं, बल्कि देखा जाए तो एक था टाइगर और फिर उसके सीक्वल टाइगर जिंदा है में भी सलमान भी मिशन पर थे, और इधर बागी, बागी 2, बागी 3 में टाइगर श्रॉफ मिशन पर हैं। हाँ, वो बात अलग है कि सलमान खान देश के लिए मिशन पर रहते हैं, जबकि टाइगर श्रॉफ अपनी पर्सनल वजहों से मिशन पर निकल ही पड़ते हैं। इन सभी के बीच अगर कोई ये सोचकर सिनेमा हॉल जाए कि उसे एक बेहतर स्टोरी और शानदार एक्टिंग मिलेगी, तो टाइगर श्रॉफ उनके लिए सिर्फ निराशा का सबक है। इतना ही नहीं, सलमान खान की फिल्मों की तरह ही टाइगर श्रॉफ की फिल्में भी फिजिक्स के नियमों को लागू नहीं करती है। ग्रेविटी से लेकर फोर्स तक इन फिल्मों में सब कुछ सिर्फ स्क्रिप्ट पर ही निर्भर करता है। खैर, सारी बातों का निचोड़ बस इतना सा है कि अगर आप टाइगर जिंदा है आपको अच्छी लगी थी तो बेझिझक आपको टाइगर श्रॉफ की बागी 4 भी डेफिनेटली अच्छी लगेगी। बता दें, बागी 4 की जब अनाउंसमेंट हुई थी तब टाइगर श्रॉफ, डायरेक्टर अहमद खान और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की एक फोटो शेयर की गई थी। इसके साथ ही मेकर्स ने लिखा, बागी टीम फिर से लौट रही है। टाइगर श्रॉफ, प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और डायरेक्टर अहमद खान फिल्म बागी लेकर आ रहे हैं। शूटिंग दिसंबर में शुरू होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दर्शकों कि इससे पहले अहमद खान बागी 2 और बागी 3 का भी निर्देशन कर चुके हैं। टाइगर श्रॉफ को वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार वो फिल्म बागी 3 में नजर आए थे। भारत में कोरोना वायरस के दस्तक देने के बावजूद टाइगर के फैंस उनकी ये फिल्म देखने के लिए बहुत ही जल्द में थिएटर्स पहुँचे। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इससे पहले साल 2019 में टाइगर की फिल्म वॉर रिलीज हुई थी, जो उनके करियर के लिए सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से भी अधिक का कारोबार किया था। वॉर में टाइगर और ऋतिक रोशन ने पहली बार साथ काम किया था। वेल, दर्शकों, अब इसी के साथ ख़त्म करते हैं बातों का सिलसिला, लेकिन आप बस हम पे एक मेहरबानी कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। है वो मिस यूनिवर्स जो एक्शन सीन्स भी करेंगी फिल्म में। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ में। बॉलीवुड के फिल्मी सितारों की गैलेक्सी में टाइगर श्रॉफ पोलर स्टार की तरह बिल्कुल अलग चमकते हुए दिखाई देते हैं। एक फिल्मी सितारे की संतान होकर उन्होंने जो मुकाम पाया है उसका विवादों में न घिरना बताता है कि टाइगर में कुछ तो स्पेशल है, वो कुछ तो अलग कर ही रहे हैं जिसने उन्हें सबसे अनूठा बनाया हुआ है। टाइगर श्रॉफ ने अपने छोटे से करियर में जिन बुलंदियों को छुआ है वो निश्चित ही एक पिता के रूप में जैकी श्रॉफ के लिए गौरव की बात है। टाइगर श्रॉफ पूरे बॉलीवुड के लिए एक एग्जाम्पल हो सकते हैं कि आखिर चमक दमक भरी ग्लैमर इंडस्ट्री में बेदाग रहकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। टाइगर को मेनली अनप्रिडिक्टेबल एक्शन स्टंट हीरोइज्म और ज़बरदस्त एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर में से एक माना जाता है। इसीलिए जितनी भी एक्शन फिल्में आती हैं वो लगभग टाइगर के नाम हो जाती हैं। अब बागी 4 को ही देख लो। बागी की तीनों इंस्टॉलेशन में स्टंट एक्शन कर मन नहीं भरा तो इसकी चौथी इंस्टॉलेशन के साथ आ रहे हैं टाइगर, और इस बार एक अलग लेवल का एक्शन करते नजर आएंगे। जैसे हम रोहित शेट्टी की फिल्मों में या उनके रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में देखते हैं, ठीक वैसे ही स्टंट्स करेंगे। टाइगर बागी 4 के लिए एक अलग से डाइट ले रहे हैं जिससे वो रिक्वायर्ड बॉडी बना रहे हैं और जिम में भी खूब पसीना बहा रहे हैं। साथ ही साथ अपने आप को और भी स्मार्ट और हैंडसम हंक बना रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बागी 4 आ रही है और उसमें बॉडी होने चाहिए 8 packs एब्स। लेकिन इसके अलावा बागी 4 में 2015 की मिस यूनिवर्स भी नजर आने वाली है, और वो है उर्वशी रौतेला।
इस मूवी में उर्वशी रौतेला अलग अंदाज में ही नजर आने वाली हैं और वो अंदाज कैसा होगा आइए ये भी जान लेते हैं। अक्सर फिल्मी सितारे अपने किरदारों में खुद को परफेक्ट दिखाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, ऐसे में ये सितारे अपने लुक के साथ कोई बदलाव करने में भी कभी पीछे नहीं हटते। इसके अलावा अगर कुछ अलग सीखने की बात हो तो उसमें भी कोई कलाकार नहीं कतराता। अब उर्वशी रौतेला भी ऐसे ही सितारों में शामिल हो गई है। दरअसल उर्वशी रौतेला इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रही हैं क्योंकि वो अपनी आने वाली फिल्म के लिए मार्शल आर्ट सीख रही हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी भूमिका के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं और मार्शल आर्ट मज़ेदार है। उर्वशी ने कहा, मुझे अपनी एक्शन फिल्म के लिए कड़ी मेहनत करने और एक नया कौशल सेट सीखने का विचार पसंद आया है, चाहे वो मैथाई, काली, फिलिपिनो स्टिक फाइटिंग या बोजुत्सु हो, मेरे लिए ये जीवन के लिए स्कूल जैसा है। अभिनेत्री ने आगे कहा, मार्शल आर्ट मज़ेदार है, ये सब कुछ डांस की तरह कोरियोग्राफ किया गया है जो अच्छा है क्योंकि ये मार्शल आर्ट के लिए बड़े किक और फ्लिप की शानदार पहलुओं को साथ बहुत मज़ेदार है। अभिनेत्री ने अपनी आगामी एक्शन फिल्म बागी 4 को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं और गुंडों को पछाड़ने के लिए भी तैयार हैं क्योंकि फिल्म टाइगर के साथ साथ उर्वशी भी गुंडों को ढिशुम ढिशुम मारती नजर आने वाली हैं। अब आप ही बताओ कि बला की खूबसूरत स्टनिंग एक्ट्रेस ऐसे ऐसे स्टंट करेंगी तो कितने लड़कों के दिल घायल हो जाएंगे। खैर, अब इसी के साथ खत्म करते हैं बातों का सिलसिला, लेकिन आप हम पर एक मेहरबानी करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और हम कहां भागे जा रहे हैं? एक दिन में 100 करोड़ पार। अहमद खान ने 2004 में लकी रोड, 2007 में फुल एंड फाइनल जैसी फिल्म में डायरेक्ट की थी और उसके बाद सीधा 11 साल बाद बागी 2 को डायरेक्ट किया और अब बागी की चौथी फ्रेंचाइजी को भी डायरेक्ट करने वाले हैं। पहली वाली बागी को दर्शकों का बहुत प्यार मिला था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस भी किया था। बागी 4 तेलुगु फिल्म क्षणम की हिंदी रीमेक है। क्षणम ने साउथ में तगड़ा बिजनेस किया था जिसे देखते हुए इसका हिंदी रीमेक बनाने का फैसला हुआ। आखिर कैसी बनी ये फिल्म, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। आज हम आपको बताने जाएंगे कि बागी 4 कितने करोड़ का बिजनेस कर सकती है। टाइगर श्रॉफ और अहमद खान निर्देशित फिल्म बागी की पहली 2 फ्रेंचाइजी अच्छा खासा कमाकर 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है, लेकिन बागी 3 में ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उस वक्त कोरोना वायरस बॉक्स ऑफिस पर जो डेरा जमाए हुए थे तो फिल्म अच्छे से कमा नहीं सकी। क्योंकि अब फिल्म का चौथा इंस्टॉलमेंट आ रहा है तो सभी को फिल्म से और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भरपूर उम्मीद है। खबरों की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो कमी बागी 3 में हुई थी वो भी कवर अप करेगी बागी 4। बता दें कि उम्मीद बताई जा रही है कि बागी 4 में फर्स्ट वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन सकती है, वो भी 100 करोड़ की ओपनिंग के साथ। अगर ऐसा होगा तो ये रिकॉर्ड कई सालों तक शायद कोई नहीं तोड़ पाएगा। साथ ही ये टाइगर की पहली फिल्म है जो 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। फिल्म में लीड हीरोइन की भूमिका में सारा अली खान को कास्ट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, नवाब की शहजादी नजर आने वाली है टाइगर के साथ। 2020 में रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ की हिट फ्रेंचाइजी फिल्म बागी 3 की असफलता के बाद मेकर्स ने इसके अगले 5 की घोषणा कर दी थी। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के लगने के बाद मेकर्स फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम कर रहे थे। सभी फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू होने के बाद मेकर्स भी बागी 4 को जल्द से जल्द फ्लोर पर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बागी 4 में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट फीमेल लीड की एंट्री हो गई है और वो है सारा अली खान। सारा अली खान को बागी 4 ऑफर हुई है। इससे पहले साजिद नाजरवाला के बैनर तले बन रही फिल्म हीरोपंती 2 भी सारा को ऑफर हुई थी, लेकिन ड्रग मामले में ना माने के बाद उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया था। हालांकि साजिद ने उन्हें एक और फिल्म में लेने का वादा किया था और अपने वादे के मुताबिक साजिद ने सारा अली को बागी 4 के लिए चुना है। सारा अली खान और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर दिखाई देगी। दोनों स्टार्स की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी बेताब है। वेल, अब इसी के साथ खत्म करते हैं बातों का सिलसिला, लेकिन आप बस हम पर एक मेहरबानी करिए। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बॉलीवुड के यंग एक्शन स्टार्स के रूप में पहचान बनाने वाले टाइगर श्रॉफ, जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी शुरुआती फिल्म हीरोपंती से की थी, अब वो एक लंबा सफर तय करके बागी 4 के साथ वापस अपने एक्शन मोड पर आ चुके हैं। कोरियोग्राफर से फिल्म मेकर बने अहमद खान द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म में वो सब कुछ हैं जो किसी मसाला फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए जरूरी है। फिल्म में टाइगर के अलावा बेहद खूबसूरत उर्वशी रौतेला लीड रोल में नजर आने वाली है।
अब बॉलीवुड ठहरा कॉपीकैट, बिना कॉपी किए शायद ही कभी कोई फिल्म बनी रहेगी। साउथ की फिल्मों का रीमेक बना बना कर ही तो अपना घर चला रहे हैं बॉलीवुड के मेकर्स। आप खुद ही देख लो ना, सलमान की वॉन्टेड भी साउथ मूवी, पोकिरी का रीमेक मूवी थी, फिर राउडी राठौड़ विक्रमाकांदू का रीमेक थी, अपने कबीर सिंह भी तो अर्जुन रेड्डी का रीमेक ही था। अब जहां बड़े बड़े दिग्गज रीमेक में काम कर रहे हैं तो आपके चाहने वाले एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ कैसे पीछे रह सकते हैं। जी हां दोस्तों, टाइगर की बागी 4 तमिल की फिल्म थिरुतुपल्ले 2 का रीमेक है। टाइगर के साथ साथ फीमेल लीड की बात करें तो इसमें आपको उर्वशी रौतेला नजर आने वाली है, जो टाइगर के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। साउथ की फिल्म थिरुतुपल्ले 2 के रीमेक की शूटिंग 1 दिसंबर से उत्तराखंड में शुरू होने जा रही है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला अभिनेता टाइगर श्रॉफ के साथ रोमांस और एक्शन करते हुए नजर आएंगी। जबकि मूवी में विलन का रोल का किरदार निभाएंगे इसकी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। एक्शन थ्रिलर फिल्म की शूटिंग लखनऊ में भी की जाएगी। इससे पहले टाइगर बागी, बागी 2 और बागी 3 का भी हिस्सा हो चुके हैं, लेकिन उनकी प्रेमिका हर बार बदल दी जाती है और इस बार भी वैसा ही हुआ। ना ही दिशा को कास्ट किया, ना ही श्रद्धा को, हाथ मारा भी तो किस पे, सीधा मिस यूनिवर्स पर। खैर, आपको क्या लगता है कैसी होगी उर्वशी और टाइगर की जोड़ी, और आप सभी इस मूवी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? आप अपने ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। सही आने वाली बागी 4 से क्या अलगाव से होगा बदला? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राम स्टूडियो। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट श्रीशम। दोस्तों, टाइगर अपनी धुरंधर एंट्री के साथ एक बार फिर आ रहे हैं बॉलीवुड की सिल्वर स्क्रीन पर वापस। इस बार इनकी एंट्री होने वाली है बागी 4 से। जैसे कि हम सब देख ही रहे हैं कि टाइगर बैक टू बैक मूवीज ला रहे हैं, लेकिन वो बैक टू बैक फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। टाइगर की स्ट्रिपे की एक्शन स्किल जो कि उनके मोस्टली मूवीज में काम आती है, अब हो रही है फिर सिर्फ एक एक्शन ही है जिसके बेसिस पर आज तक टाइगर बॉलीवुड में बने हुए हैं, लेकिन अब वो एक्शन भी नहीं चल पा रहा है उनकी मूवीज में। साथ ही और इसी के चलते फैंस को इनकी इस मूवी की भी चिंता है। उनका ये मानना है कि शायद टाइगर का एक ही स्टाइल अब नहीं कर पा रहा है ऑडियंस को इम्प्रेस, जिसके चलते होना चाहिए ये अपकमिंग मूवी फ्लॉप। हालांकि दूसरी तरफ कुछ फैंस टाइगर की इस मूवी को लेकर काफी श्योर भी हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले पार्ट में काफी अच्छा काम किया था मूवी को, साथ ही सक्सेसफुल बनाया था। तो इसी सहारे फैंस ये भी मान रहे हैं कि ये आने वाला पार्ट भी मचा सकता है धूम। होने का हो सकता है कि टाइगर इस बार एक्शन के साथ साथ एक्टिंग भी करते नजर आए और तब शायद मूवी सक्सेसफुल भी हो सकती है। साथ ही साथ हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि इस बार टाइगर दिखेंगे एक नए अवतार में, जो कि मे बी उनके स्टाइल से थोड़ा अलग हो लुक वाइज। जहां वो हमेशा एक टफ एंड इंटेंस लुक में देखे जाते हैं, वहीं हो सकता है इस मूवी में उनका स्टाइल हो थोड़ा फॉर्मल और डिफरेंट। उनका इनोसेंट फेस और फॉर्मल लुक वैसे भी उन पर काफी सूट करता है, लेकिन फिलहाल ये तो अजम्पशन बेसिस पर हो रही है बातें। लेकिन क्यों ना एस ऑडियंस आप हमें बताएं कि इस बार टाइगर को किस अवतार में देखना। किस स्टार कास्ट की एक्टिंग, क्या एक बार फिर मनोज वाजपेयी नजर आएंगे फिल्म में? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। अहमद खान निर्देशित फिल्म बागी 4 में टाइगर श्रॉफ और सारा अली खान मेन लीड में नजर आने वाले हैं। फिल्म को लेकर ज्यादा खुलासा तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये गेस किया जा रहा है कि टाइगर और सारा की टकराव टिपिकल कॉलेज वाले प्यार की तरह होगी, जहां दोनों की मुलाकात कॉलेज में होगी। एज यूजुअल कॉलेज वाला प्यार, फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी और वो एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। दिन खुशनुमा बीत रहे होंगे, टाइगर और सारा फैसला करेंगे कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन ठीक उसी दिन सर के साथ एक हादसा हो जाएगा जिससे दोनों की जिंदगी ही बदल जाती है। जैसा कि हमेशा होता आया है, इस प्रेमी जोड़े को अलग होना पड़ता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं बल्कि यहाँ से शुरू होगी। अब देखते हैं मेकर्स फिल्म की स्टोरी लाइन को कैसे खींचते हैं। ये फिल्म मल्टी स्टारर फिल्म है, लेकिन हर किरदार का रोल इतना दमदार और इफेक्टिव होने वाला है कि कहीं भी कुछ बनावटी नहीं लगेगा।
फिल्म में मनोज वाजपेयी का रोल डीआईजी का होगा, जो कि बागी के दूसरे सीक्वल में भी नजर आए थे। कमाल की बात तो ये है कि मनोज वाजपेयी बागी 2 में भी डीआईजी थे, मतलब इस बार बागी 4 में भी एक बार फिर लौट रहे हैं डीआईजी साहब। और लौटना तो था ही उन्हें, क्योंकि बेहद सहज और उम्दा अभिनय जो था उनका। बता दें कि बागी 2 रणदीप हुड्डा भी पुलिस ऑफिसर के रोल में थे, जो कि सेल्फी लेने के शौकीन थे, और वो अपना हुलिया इस तरह बनाकर रखते थे कि एक पुलिस वाले कम एक चर्सी ज्यादा लगते थे। लेकिन अगर बात मनोज वाजपेयी की करें तो बागी 4 में चोरों को पकड़ने का अंदाज निराला होने वाला है, और उनका यही नया एक्सपेरिमेंट लोगों को काफी पसंद आएगा। बात करें सारा अली खान की, तो सारा अपने किरदार में जमी है। टाइगर और सारा के बीच की केमिस्ट्री कितनी जबरदस्त होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जान लीजिए दोस्तों कि सारा अली खान इस बार अबला नारी नहीं, बल्कि WWE से इंस्पायर्ड होकर आ रही हैं। अरे अरे, अब ये मत समझिएगा कि सारा एक्टिंग छोड़ बॉक्सिंग करेंगी। हमारा WWE से ये मतलब था कि सारा बागी के चौथे इंस्टॉलेशन में टाइगर के साथ मिलकर गुंडों के छक्के छुड़ाने वाली हैं। उसके लिए सारा बेहद पसीना बहा रही हैं, कई सारे स्टंट भी सीख रही हैं। मतलब इस बार भोली भाली सारा का डेंजर अवतार भी देखने को मिलेगा, जो कि सारा अली खान के लिए काफी एक्साइटिंग है, और उनके साथ साथ उनके फैंस के लिए भी। जब से सारा अली खान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया गया है, तभी से उनकी जोड़ी टाइगर श्रॉफ के साथ बनाए जाने की चर्चा कई बार हो चुकी है। हीरोपंती की अनाउंसमेंट से पहले ऐसी खबरें आई थी कि प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने सारा के साथ हीरोपंती 2 बनाने का फैसला भी कर लिया था। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत में जुड़े ड्रग चैट केस में सारा अली खान को NCB के समन मिलने के कारण सारा का नाम फिल्म से हटा दिया गया था और तारा सुतारिया को कास्ट कर लिया गया था। साजिद ने सारा अली खान को अपनी फिल्म में लिए जाने का वादा पूरा करते हुए उन्हें एक और बड़ी फिल्म ऑफर की, और वो फिल्म और कोई नहीं बल्कि बागी 4 थी। खबर है कि सारा अली खान को टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 4 में कास्ट किया गया है। साजिद ने फिल्म में फीमेल लीड के लिए सारा का ही नाम फाइनल किया है। दरअसल पहले हीरोपंती 2 में सारा को लिया जाना था, लेकिन उनकी जगह तारा सुतारिया को लिया गया था। वेल, अब देखते हैं कि कितनी मजेदार होगी सारा अली खान और टाइगर श्रॉफ की फिल्म में। विलन्स कहां कहां के होंगे? क्या चाइना वालों के साथ फाइट करेंगे टाइगर श्रॉफ? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की हिट फ्रेंचाइजी फिल्म बागी को खूब पसंद किया गया। अब इसकी चौथी इंस्टॉलमेंट आने वाली है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ ही लीड रोल निभाएंगे। बागी 4 को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स कर दी गई हैं, तो आज हम आपको बागी 4 से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातों का सिलसिला। बागी 4 एक ऐसी फिल्म होगी जो टाइगर श्रॉफ के एक्शन टैलेंट को और निखारने के मकसद से बनाई जाएगी, मगर उस एक्शन को किसी कहानी में फिट करना पड़ेगा। इसी आइडिया के साथ साजिद नाडियाडवाला, अहमद खान और रजत अरोड़ा बागी 4 की कहानी लिख रहे हैं। बागी 4 में आपको देखने को मिलेगा कि जिस जिसके साथ पंगा लेगा वो सब लोग उसे मारना चाहेंगे। फिल्म को इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूट किया जाना है, इसीलिए ये सारे विलन दुनिया के अलग अलग हिस्से के होंगे, कोई इजिप्ट से, कोई चाइना से। अब इनडायरेक्टली ही सही, चाइना के लोग को मारते मारते देश खुनस निकाल सकते हैं टाइगर। खैर जोक्स अपार्ट, ये फिल्म एक पूरे मसाला एंटरटेनर होगी। मसाला एंटरटेनर कहने का मतलब है फिल्म को देख मजा तो बहुत आएगा, बट फिल्म में कोई लॉजिक नहीं होगा। जहां तक डायलॉग्स का सवाल है, तो ये फिल्म बात बात पे नए तरीके निकलेगी। मतलब फिल्म में बहुत शॉर्ट फॉर्म उसे किए जाएंगे बात करने के लिए, जैसे हम आप जब अपने दोस्तों से चैटिंग करते हैं, बस उसी तरह फिल्म में कोई एब्रिविएशन यूज किए जाएंगे। टाइगर फैंस के लिए एक खुशखबरी है कि ये आपको इस फिल्म में भी टाइगर श्रॉफ के मुंह से छोटे बच्चे हो क्या और सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं जैसे डायलॉग्स सुनने को मिलने वाले हैं, मगर उसकी कॉल बैक वैल्यू इतनी नहीं बची कि आप उसे एंजॉय कर पाएंगे। और क्यों नहीं बची, इसकी वजह ये भी है कि आजकल रील्स में हमें हर किसी से ये डायलॉग सुनने को मिल रहा है, तो अब हम उसमें मजा नहीं रहा। ये फिल्म हर बीतते सीन्स और सीक्वेंस के साथ क्रिंज कंटेंट में तब्दील होती जाएगी। आप बस ये देखते रहते हैं कि मामला और कितना खराब हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि आप जितना सोचते हैं मामला उससे कहीं ज्यादा खराब हो जाता है। मतलब हमने इसीलिए ये कहा कि हम तो यही सोचते हैं कि फिल्म सुपर डुपर हिट अच्छी होगी, लेकिन मिलती है हीरोपंती 2 जैसी बोरिंग कहानी। हीरोपंती 2 का भी कितना क्रेज था, लेकिन हुआ क्या, मूवी पिट गई।
अब देखते हैं क्या होगा बागी 4 के साथ। आपको क्या लगता है? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। कैसी होने वाली है फिल्म की स्क्रिप्टिंग? कौन बागी 4 में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, हीरोपंती 2 के बाद एक बार फिर से डायरेक्टर अहमद खान और टाइगर श्रॉफ एक साथ बागी 4 फिल्म लेकर आ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या क्या होगा चौथी इंस्टॉलमेंट में। फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत ही कॉमन होगी, लेकिन प्रोडक्शन वैल्यू काफी ज्यादा होगी। शूटिंग के हिसाब से अहमद खान कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से सीन्स को फिल्माया जाएगा। कहानी काफी मजबूत होगी, लेकिन सबसे बड़ी कड़ी है कि फिल्म में टाइगर, सारा और सुधीर बाबू की मौजूदगी फिल्म को और दिलचस्प बनाएगी। आपको फिल्म में टिपिकल साउथ जैसा फ्लेवर देखने को मिल सकता है। हीरो, हीरोइन और विलेन की मौजूदगी से फिल्म को प्रिडिक्ट कर पाना आसान हो जाता है। एक्शन बहुत ही ज्यादा है, जो कि कहानी में काफी उतार चढ़ाव लाएगा। वैसे सिनेमेटोग्राफी के बारे में जानना चाहेंगे आप? तो दोस्तों, विनोद प्रधान की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है और वही है इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर। खास बात तो यह है कि बागी सीरीज की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को भी विनोद ने ही सिनेमेटोग्राफ किया था। तो बागी 4 विजुअल के हिसाब से काफी रिच होने वाली है। तो बता दें, बागी 4 में सारा को भी अपना किरदार पसंद आया है और अब उनकी टीम फिल्म की शूटिंग के लिए डेट्स निकाल रही है। टाइगर श्रॉफ हीरोपंती 2 रिलीज होने का वेट कर रहे थे, लेकिन उसी बीच में आ गई गणपत। तो अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि गणपत के बाद बागी 4 की शूटिंग शुरू कर देंगे। सारा ने अभी अपनी फिल्म अतरंगी रे में गजब की एक्टिंग की थी। उनको इस फिल्म के लिए ऑडियंस का बहुत सारा प्यार भी मिला था। अभी उन्हें विक्की कौशल के साथ दी इमोर्टल अश्वात्मा और दिनेश विजयन की एक फिल्म की शूटिंग पूरी करनी है। निश्चित तौर पर फैंस को पर्दे पर इस नई जोड़ी को देखने का इंतजार रहेगा। जब सारा इन सब मूवीज से बिल्कुल फ्री हो जाएंगी, तब बागी 4 की शूटिंग में जुड़ जाएंगी। टाइगर श्रॉफ अपने 8 साल लंबे करियर में चौथी बार बागी बनने जा रहे हैं। आम तौर पर लोग जिन चीजों से बचने के लिए बागी बनते हैं, टाइगर बागी बनकर वही चीजें करते हैं। लेकिन बागी 4 का अपनी सीरीज की पिछली फिल्मों से कोई लेना देना नहीं होने वाला है। खैर, देखते हैं कि बागी 4 में कैसा होने वाला है सारा अली खान का रूप। आप अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। होगी स्टार कास्ट की एक्टिंग? क्या एक बार फिर मनोज वाजपेयी नजर आएंगे फिल्म में? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राड स्टूडियोज में। अहमद खान निर्देशित फिल्म बागी 4 में टाइगर श्रॉफ और सारा अली खान मेन लीड में नजर आने वाले हैं। फिल्म को लेकर ज्यादा खुलासा तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये गेस किया जा रहा है कि टाइगर और सारा की टकराव टिपिकल कॉलेज वाले प्यार की तरह होगी, जहाँ दोनों की मुलाकात कॉलेज में होगी। एज यूजुअल कॉलेज वाला प्यार, फिर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी और वो एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। दिन खुशनुमा बीत रहे होंगे। टाइगर और सारा फैसला करेंगे कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन ठीक उसी दिन सर के साथ एक हादसा हो जाएगा, जिससे दोनों की जिंदगी ही बदल जाती है। जैसा कि हमेशा होता आया है, इस प्रेमी जोड़े को अलग होना पड़ता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं बल्कि यहाँ से शुरू होगी। अब देखते हैं मेकर्स फिल्म की स्टोरी लाइन को कैसे खींचते हैं। ये फिल्म मल्टी स्टारर फिल्म है, लेकिन हर किरदार का रोल इतना दमदार और इफेक्टिव होने वाला है कि कहीं भी कुछ बनावटी नहीं लगेगा। फिल्म में मनोज वाजपेयी का रोल DIG का होगा, जो कि बागी के दूसरे सीक्वल में भी नजर आए थे। कमाल की बात तो ये है कि मनोज वाजपेयी बागी 2 में भी DIG थे, मतलब इस बार बागी 4 में भी एक बार फिर लौट रहे हैं DIG साहब। और लौटना तो था ही उन्हें, क्योंकि बेहद सहज और उम्दा अभिनय जो था उनका। बता दें कि बागी 2 रणदीप हुड्डा भी पुलिस ऑफिसर के रोल में थे, जो कि सेल्फी लेने के शौकीन थे, और वो अपना हुलिया इस तरह बनाकर रखते थे कि एक पुलिस वाले कम एक चर्सी ज्यादा लगते थे। लेकिन अगर बात मनोज वाजपेयी की करें, तो बागी 4 में चोरों को पकड़ने का अंदाज निराला होने वाला है और उनका यही नया एक्सपेरिमेंट लोगों को काफी पसंद आएगा। बात करें सारा अली खान की, तो सारा अपने किरदार में जमी है। टाइगर और सारा के बीच की केमिस्ट्री कितनी जबरदस्त होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जान लीजिए दोस्तों कि सारा अली खान इस बार अबला नारी नहीं, बल्कि WWE से इंस्पायर्ड होकर आ रही हैं। अरे अरे, अब ये मत समझिएगा कि सारा एक्टिंग छोड़ बॉक्सिंग करेंगी। हमारा WWE से ये मतलब था कि सारा बागी के चौथे इंस्टॉलेशन में टाइगर के साथ मिलकर गुंडों के छक्के छुड़ाने वाली हैं।
उसके लिए सारा बेहद पसीना बहा रही हैं, कई सारे स्टंट भी सीख रही हैं। मतलब इस बार भोली भाली सारा का डेंजर अवतार भी देखने को मिलेगा, जो कि सारा अली खान के लिए काफी एक्साइटिंग है और उनके साथ साथ उनके फैंस के लिए भी। जब से सारा अली खान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया गया है, तभी से उनकी जोड़ी टाइगर श्रॉफ के साथ बनाए जाने की चर्चा कई बार हो चुकी है। हीरोपंती की अनाउंसमेंट से पहले ऐसी खबरें आई थी कि प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने सारा के साथ हीरोपंती 2 बनाने का फैसला भी कर लिया था। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत में जुड़े ड्रग चैट केस में सारा अली खान को NCB के समन मिलने के कारण सारा का नाम फिल्म से हटा दिया गया था और तारा सुतारिया को कास्ट कर लिया गया था। साजिद ने सारा अली खान को अपनी फिल्म में लिए जाने का वादा पूरा करते हुए उन्हें एक और बड़ी फिल्म ऑफर की और वो फिल्म और कोई नहीं बल्कि बागी 4 थी। खबर है कि सारा अली खान को टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 4 में कास्ट किया गया है। साजिद ने फिल्म में फीमेल लीड के लिए सारा का ही नाम फाइनल किया है। दरअसल पहले हीरोपंती 2 में सारा को लिया जाना था, लेकिन उनकी जगह तारा सुतारिया को लिया गया था। वेल, अब देखते हैं कि कितनी मजेदार होगी सारा अली खान और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी। मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला, उसे यहाँ बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यही मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन हो। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? क्या कभी बागी को हम टाइगर श्रॉफ के बिना इमेजिन कर पाएंगे? कौन सी फिल्म थी ये जिसमें बागी शब्द टाइटल के लिए ओरिजिनली इस्तेमाल किया गया था? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और हमारे चैनल बॉलीवुड डैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स की फिल्मों के बारे में कोई भी अपडेट डालें तो आप उसे सबसे पहले जान पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल बॉलीवुड डैड स्टूडियोज में। दोस्तों, आज जब बागी शब्द सुनते हैं तो आप मृगया में नेशनल अवार्ड विनिंग मिथुन चक्रवर्ती की परफॉर्मेंस के बारे में नहीं या किसी रियल बागी के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि आपके दिमाग में सबसे पहले आता है इंडिया का नया एक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ का चेहरा। टाइगर श्रॉफ की मेहनत, ओरिजिनलिटी और तपस्या की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इतने कन्वेंशनल कैरेक्टर को अपना बनाकर दिखा दिया। लेकिन बॉलीवुड के एक और फॉरगॉटन बागी हैं। आपको लग रहा होगा कि अरे बेचारे एक्टर को कोई याद ही नहीं करता, है ना? क्योंकि क्या है ना, बॉलीवुड में ही नहीं दूसरी फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने कई सारी फिल्में बनाई हैं, अच्छे किरदारों में नजर आए हैं, कई लोगों का मनोरंजन किया है, मगर जैसे ढलते सूरज की तरह जवानी भी ढल जाती है, तब उस बीते सूरज को कोई याद नहीं करता। फिर एक नई सुबह आती है और एक नया सूरज लोगों को अपनी किरणों से गर्माहट देता है। मगर यहाँ पर ये एग्जाम्पल उतना गंभीर भी नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार भाईजान सलमान खान की। सलमान खान आज के जमाने में बॉक्स ऑफिस के सेवियर माने जाते हैं। उनकी फिल्में लोग बार बार सिनेमा हॉल्स में जाकर देखते हैं, कुछ तो उनको अपना सब कुछ मानते हैं। फैंस उन्हें प्यार से भाई कहकर बुलाते हैं, इतना भाई बुलाया कि उनकी शादी ही नहीं हो पाई। चले जोक्स अपार्ट, सलमान खान की फिल्मों में कई सारी चीजें गारंटीड होती हैं। सीटी मार, एक्शन सीन्स, ताली बजाओ डायलॉग्स और मजेदार गाने, साथ ही साथ हाथी जैसी बड़ी ओपनिंग, बड़ी वीकेंड कलेक्शंस, हाउसफुल सिनेमा हॉल्स और कम से कम 100 करोड़ का बिजनेस। चाहे फिल्म जितनी भी खराब या अच्छी हो, 100 करोड़ का बिजनेस तो बन ही जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सलमान भाई हमेशा अपने फैंस को वही देते हैं जो वो चाहते हैं। वो हमेशा अपने फैंस को वही अवतार दिखाते हैं जिसे देखकर फैंस खुश होते हैं। सलमान ने आज तक कभी भी नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले नहीं किए और ना ही कभी अश्लील सीन्स या गंदी गालियां दी हैं। उन्होंने आज तक कभी किसिंग सीन्स भी नहीं किए, पर हाल ही में अभी रिलीज हुई राधे के ट्रेलर में उन्होंने दिशा पटानी के साथ ही नो किसिंग पॉलिसी तोड़ दी है, इसीलिए क्योंकि वो अपने फैंस के लिए कोई बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहते। मगर 90s में सलमान खान भी सिर्फ रोमांटिक फिल्में करते थे। उन्होंने अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया में भी रोमांस किया था, मगर फिर भी उन्हें एक अच्छा सुपरस्टार का रिस्पेक्ट नहीं मिला, क्योंकि या तो कभी उनकी फिल्में माधुरी की वजह से या कभी काजोल की वजह से हिट हो जाती थी या फिर कभी अच्छे गानों की वजह से।
मगर वांटेड के साथ ये बदल गया और सलमान बॉलीवुड के मोस्ट बैंकेबल स्टार्स में से एक हो गए। तब सिर्फ रोमांटिक फिल्में करने वाले सलमान ने एक दो एक्शन फिल्में भी की थी और उनमें से एक थी बागी। बागी में सलमान ने पहली बार एक इन एंड आउट एक्शन फिल्म में कदम रखा और तब उनके फेवर में उनका फिजिक भी काम कर गया। सलमान के इस हुनर को अगर लोग तभी पहचान जाते तो शायद वो तभी एक सुपरस्टार बन जाते, मगर उन्हें वांटेड तक का इंतजार करना पड़ा। तो ये थी कहानी कि कैसे सलमान खान जैसे इतने बड़े सुपरस्टार को अपने एक्शन के हुनर को फिल्म बागी में मैनिफेस्ट करने के बावजूद भी इतना लंबा सफर तय करना पड़ा एक सुपरस्टार बनने के लिए, जबकि टाइगर श्रॉफ ने ये अपनी पहली ही फिल्म में कर दिखाया। फिल्म की हीरोइन थी साउथ एक्ट्रेस नगमा। नगमा ने प्रभु देवा के साथ मुकाबला सॉन्ग में भी डांस किया था। नगमा एक बहुत ही सक्सेसफुल साउथ एक्ट्रेस थी। बॉलीवुड में कुछ फिल्में भी की उन्होंने और फिल्म पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। ये बॉलीवुड एक्शन फिल्म्स में साउथ की हीरोइंस को लेने का ट्रेंड शुरू करने वाली कई फिल्मों में से एक फिल्म थी। आप हमें बताइए कि अगर पुरानी बागी आपने देखी है तो बॉलीवुड का बेटर बागी कौन है, टाइगर श्रॉफ या सलमान खान? साथ ही टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म बागी 4 कहां शूट की जाएगी, टाइगर श्रॉफ इस साल कितने देशों में शूटिंग करने वाले हैं, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए जरूर। मगर उससे पहले हमारे चैनल पॉलीग्लॉट स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्लॉट स्टूडियोज में। टाइगर श्रॉफ की अब तक की सारी फिल्मों में 30 साल बाद बिना किसी शक के बागी को सबसे ज्यादा याद किया जाएगा। बागी फिल्म के बाद लोगों का टाइगर को देखने का नजरिया बदल गया। बॉलीवुड की सारी बड़ी फिल्में अक्सर फॉरेन लोकेशंस में शूट की जाती हैं, मगर टाइगर की पहली फिल्म जो कि एक बड़ी फिल्म थी उसकी शूटिंग पूरी इंडिया में ही की गई थी। फिर उनकी पहली बागी फिल्म थाईलैंड के साथ साथ इंडिया में एक्सटेंसिवली शूट की गई थी। सोमा केरला प्लेस नाम की एक जगह को इस फिल्म में कर्मा इंस्टीट्यूट यानी कि स्कूल ऑफ गुरुस्वामी के नाम से दिखाया गया था। इस फ्रेंचाइजी की सारी फिल्मों में से पहला पार्ट और उसके गाने बहुत मशहूर हैं। फिल्म के गाने छम छम और सब तेरा उस साल के चार्ट बस्टर्स थे। सब तेरा गाना देख कर आप जान पाएंगे कि एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। क्या वो गोवा है? नहीं नहीं, वो है थाईलैंड का खूबसूरत पोर्ट आइलैंड। अगली बार जब आप वहाँ जाएंगे तो सब तेरा गाने के साथ रील्स बनाकर अपने हॉलीडेज को यादगार जरूर बना सकते हैं। फ्रेंचाइजी का अब तक का सबसे कामयाब पार्ट है बागी 2, जो तेलुगु फिल्म शनम का रीमेक है। 590 मिलियन के टोटल बजट पर बनाया ये फिल्म काफी जगहों पर शूट किया गया है। फिल्म को मुंबई, पुणे, शंघाई, गोवा, चाइना, मनाली और थाईलैंड में शूट किया गया है। फिल्म में टाइगर का कैरेक्टर आर्मी में होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मनाली के कोठी में ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। फिल्म में लोकेशंस को पूरी तरीके से रियल दिखाने की कोशिश की गई है। जब टाइगर का किरदार गोवा पहुंचता है तब एक सीन में मांडोवी ब्रिज के पास उसे दिखाया जाता है जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अब भी वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, उससे ऑडियंस फिल्म देखने पर ज्यादा रिलेट कर पा रही है। अब चाहे रॉनी यानी कि टाइगर का किरदार कार के पीछे भागे या फिर दिशा का किरदार यानी कि नेहा की बेटी की खोज में गुंडों को पीटता हुआ नजर आए, सब कुछ रियल दिख रहा था। अगौड़ा फोर्ट में नजर आए ओ साथी गाना फ्लेम यूनिवर्सिटी विवेकानंद लाइब्रेरी में शूट किया गया था और उसके साथ ही 11 ईस्ट स्ट्रीट कैफे 3 में भी फिल्माया गया था। सोनिया दिल ने गाना पूला देशपांडे पार्क में शूट किया गया था और लो सफर गाना नॉर्थ गोवा के सेंट ऑगस्टिन रियूस में किया गया था, जहां चलते हुए रॉनी गोवा में अपने अतीत के बारे में सोचता है और उसी गाने का दूसरा पार्ट ओल्ड गोवा के पैनजिम में शूट किया गया था। फिल्म का ग्रैंड फिनाले शॉट और फेमस हेलीकॉप्टर सीन थाईलैंड के जंगल्स के क्राबी आइलैंड में शूट किया गया है। फिर आता है बागी 3। बागी 3 को मोरक्को, इजिप्ट, सर्बिया और टर्की में फिल्माया गया है। इस फिल्म को सीरिया में शूट करना चाहते थे मेकर्स, मगर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने सीरिया जाने के बजाय मेकर्स के लिए सर्बिया में सीरिया के टोपोग्राफी के अनुसार कंस्ट्रक्शन किया। वैसे तो अब तक के अनुसार बागी 4 को 10 देशों में शूट किया जाएगा ऐसी खबरें आ रही हैं, और हीरोपंती 2 के लिए 12 देशों में टाइगर शूटिंग करेंगे। तो अगर इन सबको मिलाया जाए तो पूरे 22 देशों में काम करने वाले हैं टाइगर इस साल।
आपको क्या लगता है, ऐसे लोकेशन से काम करने से फिल्म को उसका चार्म और पिछले पार्ट्स जैसा दम पोस्ट पेंडेमिक टाइम में देखने को मिलेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। की हीरोइन क्या साजिद नाडियाडवाला भी चला रहे हैं नेपोटिज्म अपनी फिल्मों में? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी अभी एक सोर्स ने अपना नाम सीक्रेट रख के कंफर्म किया है बागी 4 की हीरोइन के बारे में। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि इस फिल्म में जैकलीन फर्नांडिस के होने की संभावनाएं बहुत तेज हैं, क्योंकि बागी 2 के लिए भी जैकी को हीरोइन कंसीडर किया जा रहा था, मगर बात नहीं बनी और जैकलीन सिर्फ एक आइटम सॉन्ग ही कर पाई उस फिल्म में। और जैकी साजिद नाडियाडवाला के कितने करीब है वो तो हम सभी को पता है, मगर जैकलीन के फैंस के लिए दुख की बात हो सकती है कि इस बार जैकी नहीं दिखेंगी बागी 4 में। फिर कौन है ये हीरोइन जो बागी 4 में कंफर्म की जा चुकी है? क्या वो कृति सेनन है? क्योंकि कृति भी तो बागी 2 के लिए कंसीडर हुई थी, मगर बात वहाँ भी नहीं बनी। टाइगर अपनी गर्लफ्रेंड दिशा को लेकर आए इस फिल्म में। कृति भी साजिद के काफी करीब है और उनकी आगमी फिल्म बच्चन पांडे की हीरोइन भी है, तो मेकर्स के दिमाग में इसके लिए कृति भी आई थी, मगर फिर शायद वो दो बड़े प्रोजेक्ट्स को एक साथ करने की वजह से इस फिल्म में नहीं आ पाई। तो दोस्तों, इस फिल्म की हीरोइन है, वैसे वो 2 साल पुरानी है फिल्म इंडस्ट्री में। पिछले साल उनकी 2 फिल्में आई थी, वो कास्ट भी हुई थी टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट उनकी फिल्म हीरोपंती 2 के लिए, मगर फिर जब एक बहुत ही बड़े ड्रग्स केस में फंस गई पेंडेमिक के दौरान तो उनको इस फिल्म से भी निकाल दिया गया। क्या वो रकुलप्रीत सिंह है? टाइगर श्रॉफ के पिताजी और इनके पिताजी भी एक दूसरे को जानते हैं कई सालों से, और साजिद भी उन्हें बचपन से जानते हैं और उनके पिताजी के साथ फैंटम और रंगून में काम भी कर चुके हैं। उनके इस केस के बाद जब उनको निकाला गया था तब साजिद बेहद परेशान थे और इसीलिए अपने वादे को पूरा करने के लिए उन्हें इस फिल्म में एज अ हीरोइन साइन कर लिया गया है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नवाब की बेटी सारा अली खान के बारे में। सारा अली खान बागी 4 में टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट नजर आने वाली है, ये बात अब पक्की हो चुकी है। तो टाइगर और सारा के लिए अब कितने फैन पेजेस बनते हैं ये देखना तो अभी बाकी है। इसके साथ ही सारा ने अनंत एल राय की फिल्म अतरंगी रे कंप्लीट कर ली है। दिनेश विजान की अपकमिंग अनटाइटल्ड, जो शायद मेडॉक फिल्म करेगी। फिर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म अश्वत्थामा द इमॉर्टल ऑपोजिट विकी कौशल भी कर ली है। तो ऐसे में उनकी थाली अब कुछ अच्छे प्रोजेक्ट से भरी पड़ी है। तो सारा कमर्शियल फिल्म्स के साथ साथ कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स भी करने लगी है। खैर, आपको टाइगर और सारा की ये जोड़ी कैसी लग रही है फिलहाल, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस एक्सक्लूसिव खबर को जल्दी से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, है ना? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम क्या टाइगर ने अपनी फिल्मों से क्या उम्मीद लगा सकते हैं टाइगर के आने वाले प्रोजेक्ट से? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं टाइगर की अब तक की फिल्मों की कमाई के बारे में कि कैसे टाइगर बने हर युवा दिल की धड़कन। टाइगर श्रॉफ ने साल 2014 में बॉलीवुड में एंट्री ली थी और तब से लेकर अब तक वो बॉलीवुड में अपना अलग ही मुकाम हासिल कर चुके हैं। समय के साथ साथ टाइगर बॉलीवुड में एक एक्शन हीरो के रूप में उभर रहे हैं। उनकी नई फिल्म बागी 4 में भी उन्होंने दमदार एक्शन किया है। टाइगर के एक्टिंग करियर को शुरू हुए अभी सिर्फ 6 साल हुए हैं और इन 6 सालों में उन्हें कई फिल्मों के ऑफर्स आए हैं और कुल मिलाकर उन्होंने काफी सारी हिट फिल्में भी दी हैं। इन 6 सालों में जहां टाइगर की फैन फॉलोइंग ने आसमान छुआ है, वहीं ये देखना भी दिलचस्प है कि आखिर उनकी फिल्मों ने कितनी कमाई की और अपने लिए बॉलीवुड में क्या मुकाम बनाया है। आइए करते हैं टाइगर की अभी तक की सभी हिट फिल्मों के बारे में बात और जानते हैं कैसा रहा उनका बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन। फिल्म हीरोपंती से टाइगर ने डायरेक्टर शब्बीर खान के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में टाइगर के साथ कृति सेनन भी थी और इन दोनों की जोड़ी को भी काफी पसंद किया गया था। 2014 में आए हीरोपंती को 2200 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। ये फिल्म 25 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए की कमाई करके हिट साबित हुई। इसके बाद टाइगर और श्रद्धा कपूर स्टारर बागी ने दर्शकों में टाइगर के एक्शन को देखने का उत्साह बढ़ा दिया।
इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस और एक्शन के चलते टाइगर को खूब सराहना मिली। टाइगर के साथ उनकी केमिस्ट्री को भी पसंद किया गया। हीरोपंती की तरह ही इस फिल्म को भी शबीर खान ने ही डायरेक्ट किया था। 2014 में आई फिल्म बागी 2750 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। ये फिल्म 37 करोड़ के बजट में बनी थी और 76 करोड़ की कमाई करके हिट साबित हुई। इस फिल्म ने टाइगर को एक अलग ही अंदाज में लोगों के सामने रखा। ये पहली फिल्म थी जिसमें टाइगर का एक्शन देखा गया और तब से ही टाइगर एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। फिर 2016 में आई फिल्म अ फ्लाइंग जट में टाइगर की जोड़ी जैकलीन के साथ दिखी। इस फिल्म को डायरेक्टर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म खासकर बच्चों के लिए बनाई गई थी और इसे ज्यादातर ऑडियंस ने कुछ खास पसंद नहीं किया। 2650 स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली और 55 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म सिर्फ 30 करोड़ की कमाई करके फ्लॉप साबित हुई। टाइगर के साथ इस फिल्म में एक्ट्रेस निधि अग्रवाल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी दिखे। एक फ्लॉप देने के बाद और बागी 2 जैसी ऐतिहासिक फिल्म की सफलता के बाद टाइगर का स्टारडम खूब बढ़ा। उनके फैंस बढ़ गए हैं। अब उनके नाम पर बड़े निर्माता निर्देशक विचार करते हैं और यही कारण है कि टाइगर कई बड़ी फिल्मों में काम कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल कर सकती है। इन्हीं बड़ी फिल्मों में बागी फ्रेंचाइजी की बागी 4 और वॉर 2 भी शामिल है। बागी 4 में टाइगर दिशा पटानी के साथ रोमांस और वॉर 2 में एक बार फिर ऋतिक के साथ एक्शन करते नजर आने वाले हैं। इन दोनों ही बड़े बजट की फिल्मों में कितनी कमाई होने की आशंका है ये सभी जानकारी हम आपको अपनी आने वाली वीडियोस में देंगे। तो देखते हैं 3 की कौन सी वीडियो सामने आई है। क्या टाइगर एक परफेक्शनिस्ट है? टाइगर और दिशा पर क्यों हुआ मामला दर्ज? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में, जहां आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के टाइगर श्रॉफ के एक्शन सीन की। बता दें कि बॉलीवुड के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ अपने शानदार एक्शन और डांस के चलते अक्सर चर्चा में रहते हैं। पिछले साल ही लॉकडाउन से ठीक पहले उनकी एक्शन और थ्रिलर फिल्म बागी 3 रिलीज हुई थी, जिसने सिनेमाघरों में खूब धूम मचाई। इस बीच एक्टर ने बागी 3 से अपने कुछ वीडियो क्लिप शेयर किए हैं जो तेजी से वायरल हो रहे हैं। दोनों ही वीडियोस काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक्टर के फैन उनके इस वीडियो पर लगातार फीडबैक दे रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए टाइगर श्रॉफ ने कैप्शन में लिखा, हीरो के कुछ शॉट फेल हो गए। एक में मैं ठीक से पोज देने के लिए एक जगह पर खड़े नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे चारों तरफ चौपर के चलते मेरे आसपास तूफान जैसा फील था। दूसरे में मैं अपनी शर्ट भी नहीं फाड़ पाया, क्या तो ये -7 तापमान के चलते हुआ या फिर मैं बहाने बना रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा नहीं है कि टाइगर परफेक्शनिस्ट है, लेकिन हाँ वो कोशिश करते हैं कि हर काम परफेक्ट हो। इसके लिए वो मेहनत भी करते हैं और लगन से करते हैं। ऐसा ही कुछ सीन बागी 4 में भी होने जा रहा है। बता दें कि टाइगर श्रॉफ इन दिनों विवादों के चलते चर्चा में छाए हुए हैं। टाइगर श्रॉफ के खिलाफ हाल ही में एक सार्वजनिक स्थल पर बिना किसी वैलिड कारण के इधर उधर घूमने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर मामला दर्ज किया है। एक्टर के साथ ही उनकी रूमर्ड लेडी लव दिशा पाटनी के खिलाफ भी मुंबई पुलिस ने लॉकडाउन के नियम के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि युवाओं के अलावा टाइगर बच्चों के भी फेवरेट है। उनके एक्शन सीक्वेंस के बच्चे फैन हैं। उन्होंने अपने अब तक के करियर में बागी, अ फ्लाइंग जट, मुन्ना माइकल, बागी 3, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और वॉर सहित अन्य फिल्में भी की हैं। और आप टाइगर बागी 4 को लेकर आ रहे हैं जिसमें बेहतरीन एक्शन सीन होने वाले हैं, जिसके बिहाइंड द सीन वीडियो भी हमारे पास है। अगर आप बागी नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। बागी सीरीज की एक के बाद एक फिल्म की सफलता देकर इसके निर्माता इतने उत्साहित हो गए कि 4 साल में सीरीज की 3 फिल्में आ गई। कमाई के मामले में ये फिल्म चाहे कितने भी आगे रही हो, परंतु बागी जैसा कमाल आगे की 2 फिल्में कतई नहीं कर पाई। पिछले साल ही रिलीज हुई बागी 3 को तो कोरोना कारण दर्शकों का उम्मीद जितना प्यार भी नहीं मिल पाया, परंतु ये फिल्म रिलीज हो चुकी थी जिसके बाद अब 4th भाग भी बन रहा है। तो आइए जानते हैं बागी 3 को लेकर हमारे क्या हैं विचार। लोकप्रियता का फायदा उठाने के चक्कर में बागी 3 जल्दबाजी का शिकार नजर आती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि बागी की सफलता के पीछे इसके एक्शन सीन रहे हैं और बागी 3 में सिर्फ एक्शन पर ही ध्यान दिया गया है। एक्शन के बीच जो कहानी रखी गई है वो बहुत ही कमजोर है। कहानी की नींव कमजोर रहने के कारण ही एक्शन की इमारत टिक नहीं पाती है और फिल्म दर्शकों का मनोरंजन नहीं कर पाती। आपको सनी देओल की फिल्म घायल याद है?
उसमें सनी अपने भाई को ढूंढने के लिए निकलते हैं। फिर 2001 की फिल्म गदर में सनी अकेले ही पाकिस्तान से टकरा जाते हैं। ये बातें आपको बागी 3 में देखते समय याद आती है। ऐसा लगता है जैसे इन फिल्मों के हाईलाइट पॉइंट्स को किसी तरह जोड़कर बागी 3 की कहानी तैयार की गई है। हमने आपको बताया था कि साउथ फिल्म वेताई पर आधारित थी, लेकिन इन फिल्मों में एक्शन के पीछे जो इमोशन और एंटरटेनमेंट था वो बागी 3 में नदारद है। साउथ इंडस्ट्री से इंस्पिरेशन के बाद भी साजिद नाडियाडवाला ढंग की कहानी लिखने में काफी असफल रहे। रॉनी बने टाइगर का एक ही मिशन है कि किसी भी तरह अपने भाई को बचाना है। जो भी रॉनी और विक्रम यानी रितेश देशमुख के बीच आएगा वो उसे खत्म कर देंगे। अपने भाई को सुरक्षित वापस लाने के लिए रॉनी तबाही मचा देता है। फिल्म की शुरुआत बिल्कुल ही 80 के दशक के फिल्मों की तरह होती है। बचपन की मारामारी दिखाई जाती है, फिर बच्चे बड़े होते हैं। रितेश देशमुख ने सीधा साधा दिखने के लिए जिस तरह की एक्टिंग की है वो बहुत ही बचकानी है। कुछ ज्यादा ही कोशिश उन्होंने कर दी जिसमें विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। भाईचारा इंटरवल तक खींचा गया है और बेहद ही बोरिंग है। रॉनी के सीरिया पहुंचने तक लेखक और निर्देशन के पास दिखाने को कुछ नहीं था और कहानी एक खड़ी रेलगाड़ी की तरह रुकी हुई लगती है। रॉनी जब सीरिया पहुंचता है तो फिल्म में थोड़ी स्पीड आती है क्योंकि एक्शन ड्राइविंग सीट पर आता है, लेकिन लॉजिक के अभाव में ये ज्यादा प्रभावित नहीं करता। सीरिया पहुंचकर रॉनी जिस आसानी से अपने भाई को खोज लेता है उसमें बिल्कुल रोमांच नहीं है। सब कुछ इतनी आसानी से हो जाता है कि रॉनी अकेला ही सैकड़ों से भिड़ जाता है। हजारों गोलियां, हेलीकॉप्टर, टैंक, गोला बारूद, मशीन गन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। एक्शन को इतना ओवरशूट कर दिया गया है कि मजा और एंटरटेनमेंट तो कई मीलों पीछे छूट गया हो। बागी 3 को देखते समय ये बात बार बार महसूस होती है कि फिल्म बहुत लंबी है और ये फिल्म के लिए अच्छी बात नहीं है। फिल्म के संवादों में बिल्कुल दम नहीं है और श्रद्धा कपूर द्वारा बोले गए संवाद तो अत्यंत घटिया है। गानों के मामले में फिल्म कंगाल है और पुराने हिट गीतों का सहारा लिया गया है। एक्शन सीन फिल्म का प्लस पॉइंट है और इनमें अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया गया है। तो अब बात इस कड़ी में आने वाली चौथे भाग यानी कि बागी 4 की करते हैं। ये तो अब तक आप जान ही चुके होंगे कि फिल्म में टाइगर और सारा अली खान की फ्रेश जोड़ी होगी। सिर्फ एक्शन के आधार पर चलने वाली सीरीज के तीनों भाग के बाद अब बागी 4 में एक बार फिर धमाकेदार एक्शन होगा, जिसकी शूटिंग इंडिया और विदेश समेत कई बेहतरीन लोकेशंस पर होगी। हालांकि इस बार टाइगर कोई आर्मी या पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक साधारण आदमी के रोल में होंगे जो लोकल गुंडा है और आए दिन नई लड़कियों को छेड़ता रहता है। हालांकि सारा से मिलने के बाद वो बदल भी जाता है और फिर उसी लड़ाइयां भी लड़ता है। आपको बता दें कि इसके अलावा टाइगर डबल रोल में भी होंगे जो वे खुद नहीं जानते होंगे। एक डुप्लीकेट दूसरे की जगह लेकर उसकी पोजीशन का गलत फायदा उठाएगा, जिसकी भरपाई उस जगह के असली हकदार को करनी पड़ सकती है। तो फिल्म से जुड़ी कई और खास और अनोखी बातों के लिए जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आने वाली वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए आपको ये वीडियोस कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को लाइक और शेयर। और सबसे बागी 4 में क्या होगा सारा अली खान का रोल? बागी 2 की कास्टिंग में क्या थी खास बात? 2018 में आई एक्शन फिल्म बागी 2 टाइगर श्रॉफ की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है। भले ही फिल्म की कितनी ही आलोचना हुई हो, परंतु ये बात सच है कि इस फिल्म ने महज 5 दिन में 95 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार कर लिया था। इसके साथ ही इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई कि आखिर बागी 2 की सफलता के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया गया है। खास करके जब से बागी 4 की चर्चा हुई है तब से तो सब यही जानना चाहते हैं कि क्रिटिक्स और दर्शकों ने आखिर क्यों फिल्म को पसंद किया। आइए फिर आज की इस वीडियो में जानते हैं फिल्म के सफल होने की 5 प्रमुख वजह। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है इस फिल्म का एक्शन। बागी 2 के एक्शन सीक्वेंस इतने जबरदस्त है कि बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार कहे जाने वाले अक्षय कुमार खुद भी फिल्म और टाइगर की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। यूं तो अपनी पहली ही फिल्म से ही टाइगर एक्शन हीरो का टैग पा चुके थे, जो इस फिल्म तक आते आते और भी पुख्ता हो गया। खास बात यह है कि टाइगर अपने एक्शन सीन्स खुद ही बिना किसी स्टंटमैन के करने के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में एक्शन के साथ साथ डायलॉग्स भी उम्दा है। फिल्म का एक सीन और संवाद सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। ये वो सीन था जिसमें हीरो टाइगर विलन को जीप के आगे बांध कर कहता है, पत्थर फेंकने तक तो ठीक था, तिरंगा जलाकर गलत कर दिया। ऐसे ही पावर पैक डायलॉग्स की बागी में भरमार है। हालांकि टाइगर की पर्सनालिटी पर इतने भारी भरकम डायलॉग सूट नहीं करते क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस में वो दम नहीं होता। क्रिटिक्स ने टाइगर के साथ साथ इसकी बाकी कास्ट की अदाकारी की भी जमकर तारीफ की थी।
ये सही है कि टाइगर मात्र पिछली फिल्म के भरोसे इस सीरीज में है, वरना उनकी जगह कोई और भी चलता। मनोज बाजपेयी जहाँ पुलिसमैन की भूमिका में है, वहीं रणदीप हुडा अंडरकवर एजेंट है। दीपक डोबरियाल कार डीलर के रूप में दिखाए गए हैं। दीपक ने जिस तरह से एक लंगड़े हैदराबादी किरदार को निभाया है वो काबिले तारीफ है। तीनों ने उम्दा अदाकारी की है। फिर जब अगर रणदीप, मनोज और दीपक जैसे उम्दा कलाकार एक ही साथ एक ही फिल्म में आ जाए तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। अब आता है चौथा, म्यूजिक। फिल्म में कई गाने हैं, जिनमें से कई आतिफ असलम ने गाए हैं। समय समय पर आने वाले आतिफ असलम के गाने कहानी को दिलचस्प बनाते हैं। कई ऐसे मोमेंट आते हैं जब सीटियों और तालियों के साथ साथ आपके चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती है। मुंडिया तू बच के रही वाला गाना काफी बढ़िया बन पड़ा है और आज भी पार्टी की जान बना हुआ है। वहीं ओ साथी और लो सफर जैसे रोमांटिक गाने भी खूब जमते हैं। इतना ही नहीं, जैकलीन के ऊपर फिल्माया गया 1, 2, 3 तो फिल्म की रिलीज से पहले ही चर्चा का विषय बन गया था। बागी की सफलता इस बात से तो कोई नहीं मुकर सकता कि सीक्वल के पहले आई फिल्म का फायदा बेशक ही होता है। बागी 2 को उससे पहले आई बागी की सफलता का लाभ भी मिला। फिल्म के बारे में दर्शकों को बताने के लिए निर्माताओं को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि दर्शक टाइगर से वाकिफ थे। फिर उधर टाइगर के साथ दिशा को कास्ट करके तो जैसे मेकर्स ने सोने पे सुहागा वाला काम कर दिया हो। दर्शकों ने इसे उस बागी का सीक्वल समझकर देखा जो काफी हिट रही थी। इसके साथ ही टाइगर की फैन फॉलोइंग का लाभ भी फिल्म को मिला। अब बात इस कड़ी में आने वाले चौथे भाग यानी कि बागी 4 की करते हैं। ये तो अब तक सब जान चुके हैं कि फिल्म में टाइगर और सारा अली खान की फ्रेश जोड़ी होगी। सिर्फ एक्शन के आधार पर चलने वाली सीरीज के तीनों भाग के बाद अब बागी 4 में एक बार फिर धमाकेदार एक्शन होने वाला है। हमने आपको बताया था कि इस बार टाइगर कोई आर्मी या पुलिस ऑफिसर नहीं, बल्कि एक साधारण आदमी के रोल में होंगे जो लोकल गुंडा है और आए दिन नई लड़कियों को छेड़ता रहता है। हालांकि सारा से मिलने के बाद वो बदल जाता है और फिर उसी के लिए लड़ाइयां लड़ता है। आपको बता दें कि इसके अलावा टाइगर डबल रोल में भी होंगे, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर उसे देख सकते हैं। अब फ्रेंचाइज कैसे की अपने नाम? टाइगर की फिल्म फ्रेंचाइज के 3 कारक कौन से हैं? किन किन फिल्मों में नजर आने वाले हैं टाइगर आने वाले सालों में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के चॉकलेटी चार्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइगर की। आपको बता दें, ब्लॉकबस्टर फिल्म बागी एक बेंचमार्क स्थापित करने में कामयाब रही है। इतना ही नहीं, इस फ्रेंचाइज ने बॉलीवुड को टाइगर श्रॉफ के रूप में सबसे कम उम्र का सुपरस्टार भी दिया है। टाइगर श्रॉफ सफल फ्रेंचाइज का चेहरा है जिसने बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर नंबर के साथ धूम मचा दी थी। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड में एकमात्र युवा अभिनेता हैं जिन्होंने अपने करियर में इतनी जल्दी इतनी फ्रेंचाइज अपने नाम कर ली है। अब अभिनेता एक्शन फ्रेंचाइज बागी की चौथी किस्त का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इसी के साथ टाइगर श्रॉफ फ्रेंचाइज अपने नाम करने वाले सबसे कम उम्र के अभिनेता बन गए हैं। अपनी इस उपलब्धि पर बात करते हुए टाइगर श्रॉफ ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में बागी मेरे लिए घर की तरह बन गई है। हर बार एक बेहतर फिल्म देने का दबाव निश्चित रूप से बना रहता है। बहुत से लोग अपने करियर में इतनी जल्दी फ्रेंचाइज का हिस्सा नहीं बन पाते, इसलिए दबाव बड़ा था क्योंकि मैंने अभी इंडस्ट्री में कदम रखा ही था और मेरा दूसरा प्रोजेक्ट फ्रेंचाइज फिल्म थी। तब से मुझे इसी को आगे बढ़ाना था। दर्शकों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा काम स्वीकार किया और अब जब हम अगली फिल्म पर काम कर रहे हैं तो हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों बता दें कि टाइगर ने अपने शानदार अभिनय और अद्भुत डांस के साथ हर किसी को अपना दीवाना बना लिया है। फिल्म के रिलीज के बाद स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले टाइगर श्रॉफ ने रोहन के रूप में अपने शानदार प्रदर्शन के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर लिया है। तो दोस्तों, बागी 2, 3 की अपार सफलता के बाद टाइगर श्रॉफ जल्द ही ऋतिक रोशन के साथ वॉर 2, बागी 4 और रैम्बो की रीमेक में भी नजर आएंगे। टाइगर एक ऐसे एक्टर हैं जो हर चीज में आगे हैं। अब चाहे वो बिंदास लुक हो, खतरनाक एक्शन हो, फ्रेंचाइज के हीरो टाइगर की। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ इंडस्ट्री के सबसे फिट स्टार्स में गिने जाते हैं। चाहे फिल्मों में खतरनाक स्टंट सीन की बात हो
या फिर मुश्किल डांस मूव्स की, टाइगर श्रॉफ अपने अंदाज से फैंस को चौंका ही देते हैं। हालांकि इन सब के लिए टाइगर कड़ी मेहनत भी करते हैं। अब दोस्तों, अभिनेता के ट्रेनर राजेंद्र ढोले ने हाल ही में टाइगर के फिटनेस रूटीन का खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि डांस, मार्शल आर्ट, फिटनेस, सिंगिंग और अभिनय तक हर मामले में खुद को बेस्ट बनाने के लिए टाइगर क्या क्या करते हैं। दोस्तों, राजेंद्र ढोले कहते हैं कि टाइगर अगर किसी फिल्म के शूट पर बिजी नहीं होते हैं तो वो खुद की फिटनेस पर काम कर रहे होते हैं। इस दौरान वो किक बॉक्सिंग से लेकर जिमनास्टिक तक करते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि टाइगर लगभग हर रोज 12 घंटे तक किसी नए टैलेंट की ट्रेनिंग लेते हैं, जिसमें डांस से लेकर वेट लिफ्टिंग भी शामिल होती है। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान भी टाइगर अपनी फिटनेस इग्नोर नहीं करते। शूट पर कोई जिम नहीं होता है, लेकिन टाइगर बॉडी वेट ट्रेनिंग और डाइट का खास ख्याल रखते हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ स्पोर्ट्स में भी काफी एक्टिव रहते हैं। वो अपने फैंस के साथ कई बार वर्कआउट वीडियो शेयर करते दिखाई देते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिल्म बागी 3 से अपना एक स्टंट सीन भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह मुश्किल हालातों में भी उन्होंने स्टंट को पूरी शिद्दत के साथ किया था। वो सीन हेलीकॉप्टर के आसपास शूट किया जाना था। ये दोस्तों, आप खुद भी समझ सकते हैं कि चॉपर के आसपास खड़े रहना ही कितना मुश्किल होता है, और यहाँ टाइगर उसके सामने स्टंट कर रहे थे। लेकिन बागी हीरो ने हार नहीं मानी और काफी शॉट के बाद सफल हो ही गए। अब दोस्तों, बात करें वर्क फ्रंट की तो टाइगर श्रॉफ हीरोपंती 2, बागी 4 और गणपत जैसी एक्शन ड्रामा फिल्मों पर काम कर रहे हैं। इन फिल्मों में टाइगर का एक्शन अवतार देखने को मिलेगा। बागी 4 में भी फिर से कई हेलीकॉप्टर शॉट्स होंगे, जिसमें टाइगर को अब की बार इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी की पहले करनी पड़ी थी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, अब की बार इन्हें इसकी टेक्निक पता चल गई है। तो क्या आप भी वो टेक्निक जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट्स में बताइए। और दोस्तों, हम मिलेंगे। बदल डाला था दिव्या भारती ने। मैं प्रियंका, आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। यहाँ बात तो सच है कि बड़े पर्दे पर प्यारी खूबसूरत सी कहानियाँ दिखाने वाली एक्ट्रेस, फिल्म मेकर्स की निजी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, वे आपके मनोरंजन देने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे ही एक निर्माता निर्देशक है साजिद, जो अपने काम के साथ साथ निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा में रहे। दिव्या भारती संग अपने रिश्ते को लेकर तो वो कई सुर्खियों और विवादों का हिस्सा भी बन चुके हैं। आइए जानते हैं साजिद और दिव्या की लव स्टोरी के बारे में। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कही जाने वाली दिव्या भारती महज 14 साल की थी जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा। महज 16 साल की उम्र में साजिद से दिव्या की पहली मुलाकात हुई थी 1990 में, जब फिल्म सिटी में गोविंदा और दिव्या फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग कर रहे थे, तब साजिद अपने दोस्त गोविंदा से मिलने सेट पर गए। गोविंदा ने ही दोनों को पहली बार मिलवाया। फिर देखते ही देखते रोजाना साजिद सेट पर आने लगे और इनका प्यार परवाना चढ़ा। 20 मई 1992 को हेयर ड्रेसर संध्या और उनके पति की मौजूदगी में दिव्या साजिद की शादी हुई। दिव्या ने इस्लाम कबूला और अपना नाम बदल कर सना रखा। साजिद ने एक इंटरव्यू में बताया था, हमने शादी की बात छिपाई रखी क्योंकि दिव्या का करियर दांव पर लगा था। ये बात बाहर निकलती तो प्रोड्यूसर डर जाते। दिव्या हमेशा से अपनी शादी की बात सबको बताना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें बार बार मना किया। 1992 में साजिद नाडियाडवाला ने चुपके से फिल्म अभिनेत्री दिव्या से शादी कर ली। इस शादी के इकलौते गवाह गोविंदा थे, जिन्होंने उनका पूरा साथ दिया था। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही दिव्या की रहस्यमयी तरीके से एक अपार्टमेंट से गिरकर मौत हो गई, जिसकी वजह से आज भी कई लोगों के लिए ये पहेली बनी हुई है। उस समय मीडिया में आए रिपोर्ट्स में कहा जाता था कि दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे। शादी के एक साल बाद ही दिव्या की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। हालांकि आज भी ये साफ नहीं हो पाया है कि दिव्या की मौत सुसाइड थी या हत्या। ये मामला काफी सुर्खियों में छाया रहा। हालांकि साजिद इसके बाद भी कई रिश्तों को लेकर मीडिया का हिस्सा रहे हैं। अपनी अधिकतर फिल्मों में अक्षय कुमार या सलमान खान के साथ काम करने वाले साजिद ने कई नए सितारों को भी बॉलीवुड में जगह दी है। इन्हीं में से एक वेटरन एक्टर जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ हैं, जिन्हें उन्होंने 2014 की फिल्म हीरोपंती से कास्ट किया था, जिनमें से एक मशहूर एक्शन फिल्म सीरीज बागी भी है। गौरतलब है कि बागी की 3 फिल्में पहले ही आ चुकी हैं, जिन्हें दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिल चुका है। फिल्म करने में टाइगर की
ऑलमोस्ट जान ही चली गई थी। बता दें कि टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बागी 3 का ट्रेलर 6 फरवरी को रिलीज हुआ था। फिल्म के ट्रेलर रिलीज होते ही ये सोशल मीडिया पर छा गया था। इतना ही नहीं, फिल्म के ट्रेलर को देखकर दर्शक टाइगर के डायलॉग्स और उनके एक्शन की खूब तारीफें करने लगे। फिल्म ट्रेलर में टाइगर कई एक्शन स्टंट्स करते दिखे थे। उनके खतरनाक स्टंट को देखकर दर्शक काफी हैरान हो गए। अब फिल्म में टाइगर के खतरनाक स्टंट और उनके एक्शन को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बता दें, बागी 3 में टाइगर ने 400 बॉम्ब ब्लास्ट के बीच लाइव एक्शन सीन किया था। इन एक्शन सीन के दौरान वो कई बार बुरी तरीके से घायल भी हुए। एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने बागी 3 के एक्शन सीन को लेकर बातें बताई। उन्होंने कहा कि फिल्म में कुल मिलाकर 400 ब्लास्ट हुए थे, सारे एक्शन सीन्स लाइव फिल्म आए गए थे। बता दें, फिल्म में मेकर्स ने एक सीन के लिए 90-95 ब्लास्ट एक साथ फिल्माए थे। टाइगर के लिए काफी खतरनाक स्टंट था। इस सीन में किसी भी तरीके से VFX का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ये सब रियल था। इतना ही नहीं, बागी 3 के सीन को रियल दिखाने के लिए 100 किलो एक्सप्लोजन का इस्तेमाल भी किया गया था। हालांकि इस दौरान सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया था। गल्फ कंट्रीज में ये फिल्म शूट हुई थी और वहां की आर्मी ने भी काफी मदद की। इन खतरनाक एक्शन सीन के दौरान टाइगर को कई बार काफी चोटें लगी। एक सीन टाइगर श्रॉफ बिना शर्ट के कर रहे थे, वो बिना शर्ट के भाग रहे थे, इसीलिए उनकी पीठ छिल गई और कट भी लगे। लेकिन टाइगर ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया और सच में वो तारीफों के लायक हैं। आपको बता दें कि बागी 3 के एक्शन सीन की शूटिंग को इंडिया, मोरक्को, मिस्र, सर्बिया, तुर्की जैसी 5 अलग अलग देशों में फिल्माया गया है। हॉलीवुड स्तर के एक्शन सीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक्शन कोरियोग्राफर को भी टीम में शामिल किया गया था। अगर बात बागी 4 के एक्शन सीन की करें तो अब की बार इसकी शूटिंग को मॉस्को, रूस आदि देशों में फिल्माया जाने वाला है। लेकिन फिल्म में VFX के इस्तेमाल पर अभी भी फिल्म के निर्देशकों ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। शायद अब की बार भी उनका प्लान फिल्म में एक्शन सीन को रियल तौर पर फिल्माने का होगा। तो आप लोग फिल्म में रियल एक्शन देखना चाहते हैं? मैं हूं सिमरन ग्रोवर। हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के इस जनरेशन के एक्शन स्टार कौन है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक्टर टाइगर श्रॉफ के एक धमाकेदार सीरीज की, जिस सीरीज की किंग है हमारे एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं सीरीज बागी की अपकमिंग सीक्वल फिल्म बागी 4 की। ये सीरीज एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जहाँ सारी फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था बाय ताजेश नाडियावाला अंडर द बैनर ऑफ नाडियावाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट। जहाँ इस सीरीज को फर्स्ट फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था बाय UDV मोशन पिक्चर्स और सेकेंड और थर्ड फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन मिला था बाय फॉक्स स्टूडियो। ये कम्प्लीट सीरीज इन्वॉल्व करती है 3 रिलीज फिल्म की और एक अपकमिंग सीक्वल फिल्म की, जहां फिल्म बागी को रिलीज किया गया था 2016 में और बागी 2 को रिलीज किया गया था 2008 में और बागी 3 को रिलीज किया गया था 2020 में। जी हाँ, जहां हर फिल्म की स्टोरी एक दूसरे से अलग होती है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है और वो है हमारे सीरीज के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ। जी हाँ, अब जब इस फिल्म की सीक्वल यानी बागी 4 की बात हो रही है तो बता दें कि इस फिल्म में एक्टर टाइगर श्रॉफ जो हमें इस फिल्म के लीड रोल में दिखाई देंगे। हालांकि इस फिल्म में जुड़े सारी कास्ट के बारे में किसी ने अभी तक नहीं कहा, लेकिन एक चीज बता दें कि जैसे इस सीरीज को बाकी फिल्म में हमें एक्टर दिखते हैं, बिल्कुल इस फिल्म में भी वो सभी को वन मैन आर्मी के तौर पर नजर आने वाले हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं बल्कि इस फिल्म में धमाकेदार स्टंट और फाइट सीन भी इंक्लूड किए जाएंगे, जहां हमें इस फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने इस फिल्म के जुड़ी कुछ खबरें बताई इंटरव्यू में कि कैसे वो और इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे, इस फिल्म की नेक्स्ट सीक्वल की बात करेंगे और कैसे वो अपनी इस फिल्म की फ्रेंचाइज को बरकरार रखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इस फिल्म के स्टार टाइगर श्रॉफ ने भी इस फिल्म से जुड़ी एक्साइटमेंट ऑडियंस तक पहुंचाई, कैसे वो और इस फिल्म के सभी सिलेक्ट कास्ट इस फिल्म को शूटिंग और नेक्स्ट इवेंट के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे एक बात बता दूं, बागी सीरीज वन ऑफ दी मोस्ट सक्सेसफुल सीरीज में से एक है और ऑडियंस ने हर बार एक्टर और इससे रिलेटेड सारी कैरेक्टर और स्टोरी हमेशा सराहा है। इस फिल्म से छोटी सी बड़ी खबरें हम आपको बताते रहे और हमें बताइए मिल सकता है फिल्म की कहानी अपनी बाकी फिल्म से कैसे अलग हो सकती है। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में।
बॉलीवुड में ऐसी कई स्टोरीज हैं जिसने ऑडियंस का दिल जीत रखा है और हम आज एक ऐसी ही धमाकेदार एक्शन से भरपूर एक्शन सीरीज की नेक्स्ट सीक्वल फिल्म की बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सीरीज बागी की अपकमिंग सीक्वल फिल्म यानी बागी 4 की और इस फिल्म से रिलेटेड सारे प्लॉट और स्टोरी की। यह सीरीज एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहां सारे फिल्म्स को प्रोड्यूस किया गया है बाय साजिद नाडियाडवाला अंडर द बैनर ऑफ नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, जहां इस सीरीज को फर्स्ट फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था बाय यूटीवी मोशन पिक्चर्स और सेकंड और थर्ड फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन मिला था बाय फोक्स स्टार स्टूडियोज। ये कंप्लीट सीरीज इन्वॉल्व करती है 3 रिलीज फिल्म की और एक अपकमिंग सीक्वल फिल्म की। जहां फिल्म बागी को रिलीज की गई थी 2016 में, फिल्म बागी 2 रिलीज हुई थी 2018 में और बागी 3 रिलीज हुई थी 2020 में। इस फिल्म के थर्ड इंस्टॉलमेंट में यानी कि बागी 3 में हमें फिर से इस फिल्म के लीड रोल में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर नजर आती है, वही एक्टर टाइगर श्रॉफ। जैसे इस फिल्म में एक्टर और एक्ट्रेस थी, वैसे ही अब हम आगे भी उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले सीक्वल भी ऐसे ही धमाकेदार हो सकते हैं, साथ ही एक धमाकेदार कहानी भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन ऑडियंस अभी सोच में डूबी है कि कौन होगा इस फिल्म में जिसे इस बार रोनी बचाएंगे। कोई भी हो सकता है, आप भी शायद हो सकते हैं, किसे पता। लेकिन आप घबराइए नहीं, हमें पता है ये फिल्म अपने सीक्वल फिल्म की तरह ब्लॉकबस्टर होगी। वैसे एक बात बता दूं, बागी सीरीज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीरीज में से एक है और ऑडियंस ने हर बार एक्टर और इससे रिलेटेड सारे कैरेक्टर्स और स्टोरी को टाइगर श्रॉफ ने अपनी सारी पिछली फिल्म में खूब सुर्खियां बटोरी है। उन्हें अपनी टोन मसल्स को फ्लॉन्ट करने और हाई ड्रामा एक्शन सीक्वेंस को परफॉर्म करने का मौका मिला है। बागी 1 और बागी 3 में जहां श्रद्धा कपूर लीड फीमेल रोल में नजर आई, वहीं बागी 2 में टाइगर श्रॉफ के साथ दिशा पटानी देखी गई। टाइगर श्रॉफ आने वाले दिनों में कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं, जिनमें उनकी बागी 4, हीरोपंती 2 और गणपत शामिल है, जिसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। इन सारी फिल्मों की अनाउंसमेंट काफी समय पहले ही हो चुकी थी। फिलहाल कहानी के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म की कहानी को लिखने के लिए एक टीम जुटा रहे हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर चाहते हैं कि इस फिल्म की कहानी और भी ज्यादा मजबूत हो। बागी सीरीज में एक्शन दमदार है, वहीं बागी 4 में टाइगर फिर से धमाका करते नजर आएंगे। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि बागी 4 में टाइगर की अपोजिट कौन सी हीरोइन होने वाली है। तो आपको बता दें कि इसके लिए 4 हीरोइंस पर विचार चल रहा है, जिसमें पहला नाम है जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन फिल्म बागी 4 के लिए परफेक्ट और दमदार एक्ट्रेस है। साजिद की कई पहली फिल्मों में भी काम कर चुकी जैकलीन को आपने टाइगर के साथ फ्लाइंग जेट में तो जरूर देखा होगा। इसी कड़ी में दूसरा नाम आता है पूजा हेगड़े का। पूजा हेगड़े ने भी कम समय में बॉलीवुड में अपनी बहुत लंबी पहचान बना ली। उन्हें आपने साजिद की पिछली रिलीज हाउसफुल 4 में जरूर देखा होगा, लेकिन क्या पता, हो सकता है कि बागी 4 में वो टाइगर का साथ देती नजर आए। इसी कड़ी में तीसरा नाम है दिशा पटानी। दिशा पटानी को आपने टाइगर के साथ बागी 2 में देखा होगा। जब से सारा अली खान ने डेब्यू किया है, तब से ऐसी खबरें आ रही हैं कि टाइगर और सारा को एक साथ फिल्म में काम करते देखा जाएगा। आपको बता दें कि सारा ऑलमोस्ट हीरोपंती 2 के लिए फिक्स हो चुकी थी, लेकिन एनसीबी के समन और बाद की कार्यवाही के चलते साजिद ने उन्हें अपनी लिस्ट से हटा दिया और उन्हें रिप्लेस कर दिया तारा सुतारिया के साथ। लेकिन साजिद इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, उन्होंने सारा से प्रॉमिस किया था कि वो उसे एक फिल्म देंगे। इसी के चलते ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन 4 हीरोइंस में से एक नाम सारा अली खान का भी हो सकता है, जो फिल्म बागी 4 में टाइगर का साथ देती नजर आएंगी। हालांकि जब साजिद नाडियाडवाला की करीबी से इस फिल्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि बागी 4 तो अभी बहुत दूर है, वे इस साल के अंत तक इस फिल्म की शुरुआत भी नहीं करने वाले हैं। और रही बात कास्ट की, तो अभी उन्होंने ये सोचा नहीं है कि वो हीरोइन के रोल में किसे कास्ट करने वाले हैं। फिर खान और टाइगर की बॉन्डिंग कैसे है इतनी खास? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत करती हूं आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बागी में तेलुगु एक्टर सुधीर बाबू ने विलन का रोल किया था। वैसे उन्हें इस फिल्म में रोल मिलने की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल फिल्मों में आने से पहले सुधीर बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर थे। अपनी स्किल दिखाने के लिए उन्होंने, अब साउथ के फेमस स्टार हैं, खुद सुधीर भी साउथ की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। एक ऐसा राज जो खोला खुद टाइगर ने बताया कि किसी भी एक्शन को करने से पहले मेरी एक ट्रिक है,
मैं टॉवल को कोका कोला से भिगा लेता हूँ और उसके बाद उसे अपने शूज के सोल पे रब करता हूँ। इससे जादू हो जाता है और मेरे सोल्स फिर से नए हो जाते हैं। इस ट्रिक से मेरे शूज आराम से वॉल पर ग्रिप बना लेते हैं। ये ट्रिक मैंने फिल्म बागी के टाइम सीखी थी थाईलैंड के एक स्टंट पर्सन से। तो अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है तो ये ट्रिक बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ टाइगर ही कर सकते हैं। उसके बाद एक और राज खोला टाइगर ने आमिर को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें, फिल्म धूम 3 के दौरान टाइगर ने ही आमिर को उनकी बॉडी बनाने में मदद की थी। इस दौरान टाइगर और आमिर में काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई। आमिर टाइगर की डेब्यू फिल्म को प्रोड्यूस करना चाह रहे थे लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन फिल्म का ट्रेलर आमिर खान के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। अब टाइगर उसी कोका कोला की ट्रिक के साथ एक बार फिर बागी 4 हीरोपंती 2 वॉर 2 में एक्शन करते हुए दिखने वाले हैं। अब हम उम्मीद करेंगे कि जब भी आप टाइगर को एक्शन करते हुए देखेंगे तो कोका कोला पीने का आपका मन जरूर करेगा। एक काम कीजिएगा, पिज्जा पार्टी कर लीजिएगा, क्योंकि कोक बिना पिज्जा के अधूरा है, जैसे टाइगर बिना एक्शन के। अब टाइगर खुद तो कोका कोला पी नहीं सकते, इसलिए अपने जूतों को ही पिला देते हैं। आप हमें बताइए, आप खुद पीते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की बिल्कुल फ्रेश वीडियो में। बॉलीवुड में आजकल स्टार किड्स का काफी बोलबाला है। हर कोई यंग स्टार्स की पार पैक परफॉर्मेंस का दीवाना है। यहाँ कोई अपनी क्यूटनेस के लिए फेमस है, तो कोई अपने डांस के लिए, कोई अपनी एक्टिंग के लिए, तो कोई सिक्स पैक्स एब टोन्ड बॉडी के लिए। लेकिन जो इन सब के लिए साथ में फेमस है वो है बॉलीवुड के कम्प्लीट पैकेज जूनियर श्रॉफ। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि ये सभी क्वालिटीज सिर्फ एक ही स्टार के एक्टर में हैं, द वन एंड ओनली टाइगर श्रॉफ, जिन्होंने अपनी कमाल डांसिंग, सुपर एक्शन और इंटेंस एक्टिंग स्किल्स, लुक्स, बॉडी और डाउन टू अर्थ नेचर से सभी एज ग्रुप के लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। उनकी हर फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। टाइगर श्रॉफ की मोस्ट लव्ड सीरीज बागी सबसे बड़ी हिट फिल्म में से एक है। बागी ने टाइगर श्रॉफ को एक ओवरनाइट स्टार बना दिया था। हर कोई बागी की रिलीज पर उसके नेक्स्ट सीक्वल का वेट करता है। टाइगर श्रॉफ ने हाल ही में अपने इंस्टा अकाउंट में अपने फैंस के साथ आस्क मी एनीथिंग पोस्ट किया था, जिसमें फैंस के अलग अलग सवालों का वो जवाब दे रहे थे। वहीं एक फैन ने जब उनसे बागी के फोर्थ सीक्वल के रिलीज के बारे में पूछा, तब टाइगर ने बताया कि मूवी जल्द ही लॉन्च होगी। तब से काफी ज्यादा सनसनी है कि आखिर इस बार मूवी में क्या स्टोरी होगी, ये कब रिलीज होगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस बार कौन होगी बागी 4 की लीडिंग एक्ट्रेस। जहां श्रद्धा और दिशा के बीच वोटिंग चल रही है, वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने खबर दी है कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने बताया है कि इस बार वो एक फ्रेश फेस बागी 4 में लेकर आएंगे। इस बार ना तो दिशा नजर आएंगी ना ही श्रद्धा। बहुत सी खबरें ऐसी भी है कि जिस तरीके से कियारा आडवाणी आजकल डायरेक्टर्स की चॉइस बनी हुई है, शायद इस बार बागी 4 में भी कियारा ही नजर आए। अब सवाल यह है कि कियारा इस मूवी में कैसा रोल निभाती नजर आएंगी, नेहा जैसा स्वीट गर्ल नेक्स्ट डोर किरदार, या फिर श्रद्धा जैसा एक्शन सुपर गर्ल का रोल, या फिर कोई तीसरा ही कैरेक्टर सोच कर रखा गया है उनके लिए। जहां फिल्म की एक्ट्रेस में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक फ्रेश फेस, एक फ्रेश कॉन्सेप्ट को लाना चाहते हैं, वहीं उनके मेन लीड हमेशा की तरह टाइगर ही रहेंगे। और क्या आप जानते हैं कि अपने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर साजन नटियाडवाला ने कहा था कि इस बार टाइगर श्रॉफ को लेकर वो पूरी दुनिया घूमने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग कहाँ होगी ये तो अभी तक एग्जैक्ट नहीं डिसाइड हुआ है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि काफी सारे लोकेशंस पर शूट होने वाला है, जो कि मोस्टली इंटरनेशनल लोकेशंस ही होंगे। सभी को इंतजार रहेगा ये जानने का कि इस बार कौन सी एग्जॉटिक लोकेशंस पर अपनी सुपर एग्जॉटिक एंड एक्शन मूवी के साथ टाइगर रोर करते हुए नजर आएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली अपडेट बागी 4 में नेगेटिव रोल में नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ। आखिर कौन है बागी 4 की हीरोइन और क्या होगा उनका रोल? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ पंखुरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइजीज बागी के फोर्थ सीक्वल के बारे में, कि आखिर इस बार बागी में किस तरीके से आने वाला है 360 डिग्रीज का ट्विस्ट। टाइगर श्रॉफ स्टारर बागी, जो कि हर बार एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक्शन थ्रिलर मूवी लेकर आते हैं, इस बार भी एक नए ट्विस्ट के साथ बिल्कुल तैयार है। हमने हमेशा ही देखा है कि बागी में न्यू हीरोइंस को कास्ट किया जाता है। पिछली फिल्मों में दिशा पटानी और श्रद्धा कपूर ने अपनी कमाल एक्टिंग, डांसिंग और कातिलाना अदाओं से हर बार फैंस का दिल जीता है और हर बार फिल्म को एक लेवल ऊपर पहुंचाया है। जहां हर बार टाइगर श्रॉफ एक्शन करते हुए नजर आते हैं, वहीं बागी 3 में श्रद्धा कपूर ने भी काफी अच्छा बोल्ड लुक अपनाया था।
ऐसे में इस बार बागी 4 में कौन से कॉन्सेप्ट पर एक्शन करते हुए नजर आएगी बागी की न्यू स्टार कास्ट, ये सभी का सवाल बन गया है। फिल्म के प्रोड्यूसर पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि इस बार वो एक फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ न्यू एक्ट्रेसेस को कास्ट करना चाहते हैं। वहीं उनके फिल्म के लीडिंग एक्टर हर बार की तरह टाइगर ही होंगे। प्रोड्यूसर्स ने ये बात भी साफ की है कि बागी 4 पुराने सभी सीक्वल से ज्यादा थ्रिलिंग होगी। हाल ही में फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने बागी 4 के कॉन्सेप्ट ट्रेलर को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। इस कॉन्सेप्ट ट्रेलर से फिल्म की कहानी को लेकर प्रोड्यूसर्स ने एक हिंट दिया है। ट्रेलर में टाइगर श्रॉफ एक नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं, जिसमें टाइगर पैसों की हेर फेर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी अलग होने वाला है। टाइगर श्रॉफ को इस बार हीरो की बजाय एक सुपर कूल विलन का रोल करते हुए देखा जा सकता है। फिल्म के प्रोड्यूसर ने अकॉर्डिंगली बताया है कि इस बार टाइगर को लेकर वो पूरा वर्ल्ड घूमेंगे। इसका तो यही मतलब है कि अंडरवर्ल्ड से टाइगर श्रॉफ का कनेक्शन दिखाया जाएगा, जिसके लिए वो पूरी दुनिया के अलग अलग एग्जॉटिक लोकेशंस पर शूट करेंगे। साथ ही फिल्म में उनका साथ निभाने के लिए बार बार सारा अली खान का नाम सामने आ रहा है। यहाँ तक कि फॉक्स स्टार स्टूडियोज के कॉन्सेप्ट ट्रेलर में भी सारा अली खान को ही फीचर किया गया है। ऐसे में सारा अली खान का फिल्म में होना तो कंफर्म है। और उनके रोल के बारे में बात करें तो बताया जा रहा है कि शायद इस बार वो टाइगर श्रॉफ की पार्टनर इन क्राइम का रोल प्ले करती नजर आएंगी। ऐसे में इन सुपरस्टार्स को विलन के तौर पर देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। दोनों ही स्टार्स अपनी इनोसेंस के लिए जाने जाते हैं। अभी तक इससे पहले इन दोनों का कोई भी नेगेटिव रोल नहीं देखा गया। ऐसे में क्या दोनों ही स्टार्स अपने इस न्यू अवतार को जस्टिफाई कर पाएंगे? इसके साथ ही एक नया सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर टाइगर नेगेटिव रोल प्ले करेंगे तो इनके ऑपोजिट कास्ट किसको किया जाएगा? फिल्म की बाकी स्टार कास्ट को लेकर अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट फिल्म मेकर्स ने अभी तक नहीं की है। इस मूवी से जुड़े आगे की अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, यानी कि बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आपके हिसाब से फिल्म की कास्ट में किसी होना चाहिए हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बागी फ्रेंचाइज का किन किन गानों का होने वाला है रीमेक बागी 4 में? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म बागी में गाए गए उन सॉन्ग्स की जो यूज हो चुके हैं या यूज होने वाले हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि बागी का गाना बंकर्स का रिलीज से एक दिन पहले ही गाने का पोस्टर रिलीज किया गया था। पोस्टर सामने आने के बाद से ही दर्शकों में इस गाने को लेकर काफी क्रेज बढ़ा हुआ था, और इसमें टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर के अलावा रितेश देशमुख भी नजर आए थे। दोस्तों, फिल्म निर्माताओं ने जो तस्वीर शेयर की थी उसमें रितेश देशमुख दूल्हे के गेटअप में दुल्हन के साथ स्टेज पर कुर्सी पर बैठे थे, वहीं टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर नीचे बैठे थे और श्रद्धा कपूर सेल्फी ले रही थी, और इसी तस्वीर में सभी बेहद खुश भी नजर आ रहे थे। अब दोस्तों, तस्वीर के साथ बेहद ही खूबसूरत कैप्शन लिखा गया था कि प्यार हवा में है और भनक आपके दिल के दाहिने हिस्से पर लगेगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि बप्पी लहरी के गाने एक आंख मारू को इस फिल्म के लिए रीमेक किया गया था, और इस फिल्म में बंकर्स टाइटल के साथ उसे लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बप्पी का ये ओरिजिनल ट्रैक जितेंद्र और श्रीदेवी पर फिल्माया गया था। इसे साल 1984 में रिलीज हुई फिल्म तोहफा के लिए शूट किया गया था। तो दोस्तों, बस ये सॉन्ग भी उसी फिल्म का था। तो दोस्तों, बता दें आपको कि बंकर्स गाने को मुंबई में 3 दिन तक 300 बैकग्राउंड डांसर के साथ शूट किया गया। और फिल्म की कहानी की बात करें तो बागी सीरीज की 3री फिल्म थी, और फिल्म में इस बार टाइगर अपनी हीरोइन को नहीं बल्कि अपने भाई रितेश देशमुख को बचाते नजर आए थे। ये फिल्म में एक्शन से भरपूर थी, और अब ये सीरीज की 4थी फिल्म ऑन स्क्रीन आने वाली है। लेकिन क्या इस बार भी टाइगर बचाएंगे अपने भाई या किसी अपनी बेटी को? तो दोस्तों, इस बार कुछ नया देखने को मिलने वाला है हमें। अब आपको बता दें कि जब से बागी 4 के बनने की बात हुई है, तब से ही टाइगर अपनी बॉडी को लेकर और भी ज्यादा सजग गए हैं, ताकि बागी में एक बार फिर वो अपनी बॉडी से लोगों को इम्प्रेस कर सके। तो दोस्तों, वैसे तो हमेशा ही फिट रहते हैं, लेकिन अब वो ज्यादा संजीदा हो गए हैं, क्योंकि सिर्फ एक नहीं टाइगर की काफी फिल्में ऑन गोइंग है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बागी 4 में कौन कौन से होंगे नए किरदार, या कौन से पुराने फिल्मों के सॉन्ग को किया जाएगा रिमेक इस मूवी में, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद, अपनी गर्लफ्रेंड की इज्जत बचाई थी, आखिर क्यों दिशा पाटनी सबके सामने होने वाली थी शर्मसार? कम मचाने वाले ही अपनी बागी 4 से धमाका, और क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैन। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी अक्सर अपनी खूबसूरत फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करती ही रहती है। इन फोटोज में इनकी अदा और जलवे देखने लायक होते हैं, लेकिन कभी कभार सेक्सी दिखने के चक्कर में एक्ट्रेस ओप्स मूवमेंट का शिकार भी हो जाती है। एक बार तो ऐसा हो गया था जब टाइगर श्रॉफ ने दिशा को इस मूवमेंट से बचा लिया था। दिशा पाटनी मनीष मल्होत्रा के रैंप वॉक पर पहुंची थी।
इस फैशन शो में टाइगर श्रॉफ भी थे, जिन्होंने दिशा से पहले रैंप वॉक कर लिया था। टाइगर जब सबके सामने आए तो उन्होंने देखा कि पूरा रैंप शीशे का बना हुआ है और उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा था। टाइगर अपने वॉक खत्म कर ही रहे थे कि दिशा आई और दिशा ने शिमरी सिल्वर मिनी ड्रेस पहना हुआ था। दिशा को आते देख टाइगर ने उनके कान में कुछ कहा और दिशा रैंप पर वॉक करने की बजाय किनारे से जाने लगी और उन्होंने रैंप पर वॉक ही नहीं की। टाइगर की सूझबूझ ने उन्हें एक बहुत बड़े उप्स मूवमेंट से बचा लिया। इस शो की शो स्टॉपर थी आलिया भट्ट, जिन्होंने भारी भरकम लहंगा पहना हुआ था। तो देखा दोस्तों कैसे टाइगर ने अपनी गर्लफ्रेंड की इज्जत बचा ली। वहीं आपको बता दें दिशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उन्होंने व्हाइट बिकिनी का फोटो शेयर किया है जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गर्लफ्रेंड की बात करें तो दिशा पानी आखिरी बार राधे और मोस्ट वांटेड भाई में दिखाई दी थी और अब एक विलन 2 से धमाका मचाने को तैयार है। वहीं इन दोनों की फिल्म की बात करें तो बागी 4 से ये तहलका मचाने को तैयार है। इस फिल्म को भी अहमद खान ही डायरेक्ट कर रहे हैं और जल्द से जल्द ये फिल्म फ्लोर पर भी आने वाली है। कोविड जैसे ही कम इसका प्रभाव होगा, अब तो फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई है, तो जल्द से जल्द टाइगर बागी 4 का शूट शुरू करेंगे। फिलहाल सबसे पहले वो हीरो पंती 2 का शूट निपटाएंगे, उसके बाद गणपत का और तब नंबर आएगा बागी 4 का। हाल ही में टाइगर से जब उनके फैंस ने आस्क मी क्वेश्चंस के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तब उन्होंने अपनी फिल्मों की डिटेल्स दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि पूरी 4 फिल्में हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जिसमें रैम्बो रीमेक है, बागी 4 है, हीरो पंती 2 है और गणपत है। तो दोस्तों आपको टाइगर और दिशा की केमिस्ट्री कैसी लगती है और कितना इंतजार है बागी 4 का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर। बागी 4, क्या बागी 4 होगी रोमांटिक फिल्म? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज के एक फ्रेश नए वीडियो में और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। आज हम बताएंगे आपको बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी बागी के अपकमिंग सीक्वल से रिलेटेड कुछ दिलचस्प बातें। यूथ फेवरेट एंड चार्मिंग डैशिंग स्टार टाइगर श्रॉफ हमेशा की ही तरह इस बार भी इस फिल्म में लीड रोल करेंगे, ये तो सबको पता है। लेकिन जैसे फिल्म की लीड एक्ट्रेस हर सीक्वल में बदल जाती है, उसको देखते हुए इस बार बागी की हीरोइन की स्पेक्यूलेशंस को लेकर काफी फैंस के बीच सारे नामों की चर्चा है। बागी फ्रेंचाइजी के फर्स्ट पार्ट में फीमेल एक्ट्रेस का रोल श्रद्धा कपूर ने बखूबी निभाया था। उस फिल्म के गाने भी काफी हिट हुए थे। फिल्म के लिए श्रद्धा कपूर को भी काफी ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिला था। जहां बागी 1 रोमांटिक कम एक्शन मूवी थी, तो वहीं बागी 2 में मोस्टली एक्शन सीन्स दिखाए गए थे। बागी के सेकेंड सीक्वल में फीमेल लीड एक्ट्रेस के तौर पर दिशा पाटनी को कास्ट किया गया था, तो थर्ड में वापस से श्रद्धा को ही कास्ट कर लिया गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बागी 4 में इस बार सारा अली खान को कास्ट करने की बात चल रही है। सारा बागी स्टार टाइगर श्रॉफ की लवर का रोल प्ले करेंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो दिशा पाटनी की तरह इंटरवल तक एग्जिट कर जाएंगी या फिर श्रद्धा कपूर के जैसे फिल्म में हाई एक्शन और फाइटिंग सीन्स करती हुई नजर आएंगी। बागी 2 और बागी 3 दोनों ही काफी ज्यादा हाई ऑन एक्शन मूवीज रही हैं। दोनों में ही काफी दमदार और धमाकेदार एक्शन एंड फाइटिंग सीन्स भी हैं। बागी फ्रेंचाइजी की अभी तक की सभी मूवीज टॉलीवुड ने किसी न किसी मूवी का रीमेक रही हैं। बॉलीवुड का आधा बेस टॉलीवुड की फिल्मों के भरोसे ही रहता है। जहां बागी की फर्स्ट फिल्म 2004 में आई टॉलीवुड फिल्म वर्षम का रीमेक थी, तो वहीं बागी 2 तेलुगु फिल्म कशन्नम का रीमेक थी और यहां तक कि बागी 3 भी एक तमिल फिल्म वेतई का रीमेक थी। तो लाजमी है कि बागी 4 भी कोई ना कोई टॉलीवुड फिल्म की रीमेक होगी। आखिर बॉलीवुड कब तक टॉलीवुड के सारे फिल्म्स बनाना कर हिंदी ऑडियंस को दिखाएगा? सूत्रों से आ रही खबरों के अनुसार हो सकता है कि इस बार किसी ओरिजिनल प्लॉट पर बागी 4 को बनाया जाएगा, मगर इसके असर काफी कम है। काफी सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि बागी के 4 सीक्वल में एक्शन होगा या फिर रोमांस। तो वहीं खबरों के अकॉर्डिंग शायद इस बार सारा अली खान के साथ टाइगर श्रॉफ रोमांस करते हुए नजर आ सकते हैं। जब टाइगर के एक फैन ने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के आस्क मी एनीथिंग पोस्ट पे उनसे फिल्म के बारे में पूछा था, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा था, As soon as we finish our fight with the virus, यानी जैसे ही कोरोना के केसेस अंडर कंट्रोल होंगे, इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। फिल्म की अपडेट देते हुए अनाउंसमेंट की गई थी कि अगले साल ये मूवी रिलीज हो जाएगी। बागी फ्रेंचाइजी के सभी सीक्वल्स आपस में कभी भी मैच नहीं करते हैं, हर बार नए सीक्वल में एक नई कहानी बताई जाती है। तो देखते हैं इस बार क्या नया कॉन्सेप्ट लाया जाता है बागी के 4th फिल्म में।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की। चौथी फिल्म है आज हम आपको बात बताएंगे बागी सीरीज की, जिसमें बागी 4 के बारे में कई जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंत तक में देंगे। तो दोस्तों फिलहाल हम बागी 3 की बात करते हैं। तो दोस्तों गौरतलब है कि टाइगर और श्रद्धा कपूर स्टारर ये फिल्म 2020 तक रिलीज हुई थी, जब कोरोना वायरस इंडिया में अपने पैर जमा रहा था। फिल्म रिलीज हो चुकी थी और पहले से ही पर्दे पर थी। थिएटर के अंदर बैठे लोगों को तो ये अंदाजा भी नहीं होगा कि आने वाले कुछ दिनों में वो थिएटर के अंदर क्या घर के बाहर तक भी अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। खैर बात फिल्म की करते हैं तो भले ही फिल्म कुछ ही समय के लिए थिएटर्स में रही हो, भले ही उसे उम्मीद जितना रिस्पांस ना मिल पाया हो, परंतु फिल्म ने अच्छी खासी पब्लिसिटी हासिल की थी, क्योंकि फिल्म में टाइगर और उनके स्कूल में क्रश रह चुकी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर 2016 के बाद एक बार फिर साथ आने वाले थे, और वो भी बागी सीरीज में ही। तब होली का त्योहार आने वाला था, जिसके चलते ट्रेड एनालिस्ट को उम्मीद थी कि इस बात का फायदा फिल्म को हो सकता है और होली की छुट्टियों में कमाई अच्छी होगी। यही नहीं, सिंगल स्क्रीन पर फिल्म को काफी फायदा मिला। हालांकि दोस्तों मल्टीप्लेक्स में ये ज्यादा कुछ बड़ा नहीं था। अब दोस्तों उम्मीद तो ये भी थी कि फिल्म ओपनिंग वीकेंड के अंत तक 52 करोड़ रुपए कमा लेगी। वहीं बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट को देखा जाए तो फिल्म ने बिहार, आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे शहरों में काफी अच्छा काम किया। वहीं पिछली दो फिल्मों के मुकाबले में दूसरे दो दिन फिल्म की कमाई में करीब 8% की गिरावट देखी गई थी। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के लिए एक और चीज जिसने नुकसान का काम किया वो थी किसी ने फिल्म का प्रिंट ऑनलाइन लीक कर दिया था, जिस वजह से दोस्तों लोगों ने थिएटर जाना ही जरूरी नहीं समझा। अब फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले ही दिन 17.50 करोड़ रुपए की कमाई की, जो पिछली दो फिल्मों से काफी कम था। शनिवार को इसने 16 करोड़ रुपए कमाए और जबकि रविवार को 20 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। अब दोस्तों इस हिसाब से अपने पहले वीकेंड पर फिल्म ने 53.5 करोड़ रुपए की कुल कमाई की, जो उम्मीद अनुसार तो ठीक था, लेकिन बाकी फिल्मों के मुकाबले बहुत कम था। अब फिल्म के रिलीज होने के बाद अगले ही हफ्ते इसमें भारी गिरावट देखने को मिली। वीकेंड के बाद पहले सोमवार को महज 9.06 करोड़ रुपए की कमाई हुई और वहीं मंगलवार को 14.05, तो पहले वीकेंड तक आते आते इसकी कमाई 90.67 करोड़ की हो गई। अब दोस्तों दूसरे हफ्ते के अंत तक फिल्म की कुल कमाई दो हफ्तों में महज 96.42 करोड़ रुपए थी। अब दोस्तों दिलम तो भले ही इंडिया में इतना पसंद नहीं किया जाता हो या उसे उम्मीद मुताबिक कलेक्शन नहीं मिला, परंतु इंटरनेशनली से खासा पसंद किया गया। वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखे तो ये 137 करोड़ का था, जिसमें ओवरसीज कलेक्शन 24 करोड़, तो इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 113 करोड़ रुपए शामिल थे। यूं तो फिल्म कोई खास कमाल ना कर पाए, पर दोस्तों इसके बावजूद ये 2020 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि थिएटर में रिलीज हुई ये आखिरी ही फिल्म थी, क्योंकि दोस्तों उसके बाद लॉकडाउन लगा दिया गया था और जब थिएटर दोबारा खुले तो तब लोग दोस्तों बाहर जाना सेफ नहीं समझ रहे थे। खैर अब बात बागी 4 की करते हैं, तो ये हम आपको बता ही चुके हैं कि फिल्म में टाइगर श्रॉफ और सारा अली खान मुख्य किरदारों में होंगे। अब आपको बता दें कि फिल्म की कास्ट में कोई और चेहरे जुड़ने वाले हैं, जिसमें पहला नाम एक्ट्रेस प्राची देसाई का है, जो एक खास रोल में फिल्म में होंगी। जी नहीं दोस्तों, इस बार वो किसी डांस परफॉर्मेंस या आइटम नंबर का हिस्सा नहीं होंगी, बल्कि फिल्म में उनका एक आ सकती है बागी 4 में नजर। किस नए अंदाज में दिख सकती है बॉलीवुड की गर्मी गर्ल। हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। बॉलीवुड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बागी के 4th सीक्वल के सिलसिले में आ रही है। हर कोई बागी के 4th सीक्वल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। टाइगर श्रॉफ ने उनके सोशल मीडिया हैंडल पर एक फैन ने सवाल किया था कि बागी का 4th सीक्वल कब लॉन्च होगा, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि जैसे ही हम सबको इस कोरोना से आजादी मिलेगी वैसे ही फिल्म की शूटिंग को शुरू कर दिया जाएगा। तभी से बागी को लेकर रोज ही नई अफवाहें मार्केट में उड़ती नजर आ रही है। जहाँ फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस को लेकर कई नाम सामने आ रहे थे, वहीं सूत्रों से ये खबर आ रही है कि बी टाउन की दिलबरगर नोरा फतेही इस बार बागी के 4th सीक्वल में नजर आ सकती है। नोरा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू रॉर फिल्म से किया था, उसके बाद उन्होंने कई तेलुगु, तमिल, मलयालम फिल्में भी की। तेलुगु सिनेमा में नोरा ने कई आइटम नंबर्स पर परफॉर्म किया है। नोरा फतेही को बॉलीवुड में पॉपुलैरिटी जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म सत्यमेव जयते के आइटम नंबर दिलबर सॉन्ग से मिली। नोरा की कुछ साल पहले रिलीज हुई फिल्म स्ट्रीट डांसर में उनके डांस के साथ साथ उनकी एक्टिंग को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया, जिसके बाद से खबरें आ रही हैं कि अब नोरा को बागी 4 के लिए अप्रोच किया गया है। नोरा बागी 4 में नेगेटिव रोल में नजर आ सकती है।
टाइगर के अपोजिट मेल नेगेटिव रोल की को एक्ट्रेस के तौर पर देखने को मिल सकती है नोरा। इसी के साथ ही खबर ये भी है कि उनका फिल्म एक स्पेशल आइटम सॉन्ग होगा जो कि लाजमी है। अगर नोरा फतेही है तो आइटम सॉन्ग होना तो बनता ही है। ये तो हम सब जानते हैं कि नोरा के सभी आइटम सॉन्ग हमेशा ही सुपर हिट रहे हैं। जिस फिल्म के लिए नोरा आइटम सॉन्ग पर परफॉर्म करती है उस फिल्म के लिए ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो जाता है। तो इस बार देखते हैं कि बागी 4 में किस तरह का कमाल दिखाती है नोरा फतेही। नोरा के रोल के लिए अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसके ऊपर फिल्म मेकर्स की तरफ से कंफर्मेशन आ जाएगी। आप भी इंतजार कीजिए और हम भी अगली खबर आने तक इंतजार करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। साथ ही आगे की सभी अपडेट्स और बैक स्टोरीज के लिए हमारे चैनल। क्या जिंदगी इतनी मुश्किल है जीना या हम इसे बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और आप सबका तहे दिल से स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बागी फ्रेंचाइजी के टॉप हीरो टाइगर श्रॉफ की बात करेंगे और मैं बताऊंगी आपको टाइगर के उस डार्क फेस की कहानी जिससे हर कोई कभी ना कभी जरूर गुजरता है। आपको बता दें, जब बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी तो उन्हें सब जैकी श्रॉफ के बेटे के रूप में पहचानते थे, लेकिन 7 साल में ही उन्होंने अपना खुद का नाम कमाया और इतना ही नहीं बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाला सुपर हीरो बन गए। लेकिन अगर आपको लगता है कि साल 2014 से फिल्म हीरोपंती से शुरू हुआ ये सफर बहुत आसान रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो एक हीरो के बेटे थे और उनके लिए बॉलीवुड में एंट्री पाना आसान था तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में अपने तरीके की मुसीबतें और परेशानियां होती हैं। आपको बता दें कि पहले फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद उनके नाम, लुक, हेयर स्टाइल से लेकर डांस तक का खूब मजाक उड़ाया गया था। टाइगर श्रॉफ उस मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिन रात खूब रोते थे। इस बात का खुलासा खुद उन्होंने किया था। टाइगर श्रॉफ ने बताया था कि सोशल मीडिया पर उनके लिए लिखी हुई चीजें शुरुआत में उन्हें बहुत परेशान करती थी। उन्होंने कहा, हाँ, शुरुआत में इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे याद है जब मेरी पहली फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, लोगों ने मुझे गोरा चिकना कहा और मेरी अजीब हेयर स्टाइल, डांस और यहाँ तक कि मेरे अलग तरीके के नाम का भी मजाक उड़ाया गया। मैं सामान्य भारतीय लड़के की तरह नहीं दिखता हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं इंडस्ट्री में ये सोचकर आया था कि मैं भी मेरे पिता की तरह सराहना पाऊंगा, हालांकि मेरे मामले में ऐसा नहीं था। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना रोया था, हालांकि मैं खुश भी था कि मेरी फिल्म चली। मुझे महसूस हुआ कि यहाँ तक कि बड़े स्टार्स को भी फैंस भला बुरा कहते हैं तो मैं कौन होता हूँ शिकायत करने वाला। आखिरकार बाद में मुझे समझ आया कि बुरी ही सही, वो मेरे बारे में बात तो कर रहे हैं और मुझे नोटिस करना ही काफी है। इसी पॉजिटिव नेचर को लेकर उन्होंने ये 7 साल का सफर तय किया। वैसे तो आजकल पॉजिटिविटी भी गले की हड्डी ही बनी हुई है, ना निगली जा रही है ना बाहर आ रही है। खैर, अब तो केवल एहतियात ही बरती जा सकती है, जैसे टाइगर ने अपनी लाइफ को सेट करने के लिए बरती है, इस नेगेटिव बात को भी अच्छे सेंस में लेकर। कहना पड़ेगा, टाइगर बेशक कम बोलते हैं लेकिन जब भी बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। आपसे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप किसी को भी उसके लुक, काम और योग्यता पर जज नहीं करेंगे, कभी सवाल नहीं उठाएंगे। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए एक अलग ही तरीके की लड़ाई लड़ रहा है। आप भी इसे जरूर खुद से जोड़ पा रहे होंगे, क्योंकि बेशक हमारे सपने अलग हैं लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, अपने लक्ष्य को पाना। इसी एक नए लक्ष्य के साथ बागी सा टाइगर अपनी आने वाली फिल्म बागी 4 में नजर आने वाले हैं, जिसमें बहुत सारा एक्शन, मिर्च मसाला, दमदार कहानी, वर्सटाइल एक्टर्स भी शामिल होंगे। आपको उनकी इस नई फिल्म का कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद। सारा अली खान और जैकलिन फर्नांडिस हो सकती हैं, या फिर इस फिल्म के लिए एक टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा दर्शकों को। आइए इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में जानते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में, जहां हम लेके आते हैं सिनेमा जगत से जुड़े सारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक रोजाना। तो चलिए आज के गॉसिप के सिलसिले को शुरू करते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, बी टाउन का हाल फिलहाल का लेटेस्ट अपडेट तो ये है कि बी टाउन में एक फिल्म को लेकर काफी गहरी सनसनी मची हुई है। जी हाँ दोस्तों, और इस सनसनी के पीछे का कारण है
एक वर्सेटाइल एक्शन फुल और साथ ही साथ में टैलेंटेड स्टार किड यानी कि टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग मूवी। जी हाँ दोस्तों, टाइगर श्रॉफ अपनी अपकमिंग मूवी बागी 4 हम लोगों के सामने जल्द ही लेकर आने वाले हैं और इसीलिए सारे के सारे दर्शक और उनके फैंस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। अगर बात करें बागी 4 के बारे में तो इस सीरीज में 3 मूवीज पहले भी आ चुकी हैं और तीनों की तीनों मूवीज काफी हिट रही और बॉक्स ऑफिस पर काफी महंगी कमाई करती रही और इसीलिए फिल्म के मेकर्स ने एक और सीरीज का पार्ट लाने की तैयारी कर ली है। लेकिन खबरें यहीं नहीं खत्म होती। बात दरअसल ये है कि इस बार कॉन्ट्रोवर्सी ये मची है कि इस बार टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म में कौन सी हीरोइन देखने को मिलेगी। दरअसल बात ये है कि फिल्म की अगर हीरोइंस की बात करें तो हर बार मेकर्स ने फिल्म की हीरोइंस को बदला हुआ है। हालांकि टाइगर श्रॉफ का पार्ट एज लीड रोल परमानेंट रहा और तीनों की तीनों मूवीज में वही नजर आए, लेकिन सीरीज की पहली और तीसरी मूवी में श्रद्धा कपूर अपना एक्शन दिखाते और धमाका मचाते नजर आई। और वहीं अगर बात करें सेकंड पार्ट के बारे में तो उसमें टाइगर श्रॉफ के साथ उनकी रिमोट गर्लफ्रेंड दिशा पटानी एक बेहद ही स्वीट, इनोसेंट और रोमांटिक पार्ट निभाती नजर आई और इसीलिए देखना काफी ज्यादा एक्साइटिंग है कि इस बार फिल्म में कौन नजर आने वाला है। अब अगर बात करें फिल्म के बारे में तो फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला ने हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनको फिल्म के लिए एक नया चेहरा चाहिए और वह यह चीज कंफर्म करना चाहते हैं कि इस बार फिल्म की हीरोइन रिपीट नहीं होने वाली है, जिससे ये तो क्लियर हो जाता है कि दिशा पटानी और श्रद्धा में से कोई भी इस बार मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। तो अब ये नया चेहरा कौन होने वाला है, आइए बताए देते हैं। तो दोस्तों बात दरअसल ये है कि फॉक्स स्टार स्टूडियोज द्वारा बागी का कॉन्सेप्ट ट्रेलर रिलीज किया गया था और कॉन्सेप्ट ट्रेलर में हमको दिखी थी एक्ट्रेस सारा अली खान। जी हाँ, इस कॉन्सेप्ट ट्रेलर में सारा अली खान को फीचर किया गया है, जिसके बाद मार्केट में खबर है कि शायद सारा अली खान इस बार टाइगर श्रॉफ के साथ पेयरअप करती नजर आएंगी बागी 4 के लिए। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं, सूत्रों की माने तो रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि फिल्म के मेकर और फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला ने फिल्म के लिए जैकलिन फर्नांडिस को अप्रोच किया है और यहीं पे सारा का सारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। अगर बात करें जैकलिन और टाइगर के इस पेयर के बारे में तो ये पेयर हमने पहले भी एक मूवी में काफी पसंद किया था। जी हाँ दोस्तों, टाइगर श्रॉफ और जैकलिन फर्नांडिस अपनी पिछली एक मूवी फ्लाइंग जट में साथ नजर आए थे और लोगों की इनकी ये जोड़ी काफी पसंद आई थी। हालांकि वो मूवी थोड़ी रोम कॉम थी और ये थोड़ी एक्शन और ड्रामा से भरी होने वाली है, लेकिन क्योंकि इस पेयर को काफी पसंद किया गया है इसलिए इनको दोबारा ऑन स्क्रीन देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। जैकलिन अपने करियर में ऐसे एक्शन से भरी कुछ और मूवीज भी कर चुकी है जिसमें रेस 2 और 3 और डिशम जैसी मूवीज का नाम शामिल होता है। तो इसीलिए लोगों का अनुमान है कि शायद जैकलिन इस बार मूवी में पसंद आने वाली हैं फिल्म के मेकर्स को। लेकिन अगर बात करें सारा अली खान के बारे में तो उनका और टाइगर श्रॉफ का पेयर काफी क्रिएटिव हो सकता है और चूंकि हमेशा से सारा अली खान अपनी मूवीज में एक इनोसेंट या फिर फंकी लुक में नजर आई है तो इस बार एक्शन और ड्रामा में शायद लोग उनको काफी पसंद करें, इसीलिए ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इन दोनों में से आखिर कौन आ सकता है फिल्म के मेकर्स को पसंद टाइगर श्रॉफ के साथ। लेकिन दोस्तों एक खतरनाक बात ये भी है कि मार्केट में खबर है कि शायद इन दोनों को ही मूवी में लिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, लेकिन ट्विस्ट ये होगा कि इनमें से एक हीरोइन सारा अली खान या फिर जैकलिन फर्नांडिस नजर आएंगी पॉजिटिव रोल में टाइगर श्रॉफ के साथ, वहीं दूसरी हीरोइन एक नेगेटिव रोल करती नजर आने वाली है और ये दोनों के करियर का पहला नेगेटिव रोल होने वाला है। तो लोगों की एक्साइटमेंट ये सब सुन के काफी बढ़ती नजर आ रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आप हमें अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। है जीना, या हम इसे बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पंखुरी और आप सबका तहे दिल से स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बागी फ्रेंचाइजी के टॉप हीरो टाइगर श्रॉफ की बात करेंगे और मैं बताऊंगी आपको टाइगर के उस डार्क फेस की कहानी जिससे हर कोई कभी ना कभी जरूर गुजरता है। आपको बता दें, जब बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी तो उन्हें सब जैकी श्रॉफ के बेटे के रूप में पहचानते थे,
लेकिन 7 साल में ही उन्होंने अपना खुद का नाम कमाया और इतना ही नहीं बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाला सुपर हीरो बन गए। लेकिन अगर आपको लगता है कि साल 2014 से फिल्म हीरोपंती से शुरू हुआ ये सफर बहुत आसान रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो एक हीरो के बेटे थे और उनके लिए बॉलीवुड में एंट्री पाना आसान था तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में अपने तरीके की मुसीबतें और परेशानियां होती हैं। आपको बता दें कि पहले फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद उनके नाम, लुक, हेयर स्टाइल से लेकर डांस तक का खूब मजाक उड़ाया गया था। टाइगर श्रॉफ उस मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिन रात खूब रोते थे। इस बात का खुलासा खुद उन्होंने किया था। टाइगर श्रॉफ ने बताया था कि सोशल मीडिया पर उनके लिए लिखी हुई चीजें शुरुआत में उन्हें बहुत परेशान करती थी। उन्होंने कहा, हाँ, शुरुआत में इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे याद है जब मेरी पहली फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, लोगों ने मुझे गोरा चिकना कहा और मेरी अजीब हेयर स्टाइल, डांस और यहाँ तक कि मेरे अलग तरीके के नाम का भी मजाक उड़ाया गया। मैं सामान्य भारतीय लड़के की तरह नहीं दिखता हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं इंडस्ट्री में ये सोचकर आया था कि मैं भी मेरे पिता की तरह सराहना पाऊंगा, हालांकि मेरे मामले में ऐसा नहीं था। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना रोया था। हालांकि मैं खुश भी था कि मेरी फिल्म चली। मुझे महसूस हुआ कि यहाँ तक कि बड़े स्टार्स को भी फैंस भला बुरा कहते हैं तो मैं कौन होता हूँ शिकायत करने वाला। आखिरकार बाद में मुझे समझ आया कि बुरी ही सही, वो मेरे बारे में बात तो कर रहे हैं और मुझे नोटिस करना ही काफी है। इसी पॉजिटिव नेचर को लेकर उन्होंने ये 7 साल का सफर तय किया। वैसे तो आजकल पॉजिटिविटी भी गले की हड्डी ही बनी हुई है, ना निगली जा रही है ना बाहर आ रही है। खैर, अब तो केवल एहतियात ही बरती जा सकती है, जैसे टाइगर ने अपनी लाइफ को सेट करने के लिए बरती है, इस नेगेटिव बात को भी अच्छे सेंस में लेकर। कहना पड़ेगा, टाइगर बेशक कम बोलते हैं लेकिन जब भी बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। आपसे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप किसी को भी उसके लुक, काम और योग्यता पर जज नहीं करेंगे, कभी सवाल नहीं उठाएंगे। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए एक अलग ही तरीके की लड़ाई लड़ रहा है। आप भी इसे जरूर खुद से जोड़ पा रहे होंगे, क्योंकि बेशक हमारे सपने अलग हैं लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, अपने लक्ष्य को पाना। इसी एक नए लक्ष्य के साथ बागी स्टार टाइगर अपनी आने वाली फिल्म बागी 4 में नजर आने वाले हैं, जिसमें बहुत सारा एक्शन, मिर्च मसाला, दमदार कहानी। किस नए अंदाज में दिख सकती है बॉलीवुड की गर्मी कर। हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीवुड स्टूडियोज में। बॉलीवुड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बागी के 4th सीक्वल के सिलसिले में आ रही है। हर कोई बागी के 4th सीक्वल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। टाइगर श्रॉफ ने उनके सोशल मीडिया हैंडल पर एक फैन ने सवाल किया था कि बागी का 4th सीक्वल कब लॉन्च होगा, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि जैसे ही हम सबको इस कोरोना से आजादी मिलेगी वैसे ही फिल्म की शूटिंग को शुरू कर दिया जाएगा। तभी से बागी को लेकर रोज ही नई अफवाहें मार्केट में उड़ती नजर आ रही है। जहाँ फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस को लेकर कई नाम सामने आ रहे थे, वहीं सूत्रों से ये खबर आ रही है कि बी टाउन की दिलबर्गर नोरा फतेह इस बार बागी के 4th सीक्वल में नजर आ सकती है। नोरा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू रॉर फिल्म से किया था, उसके बाद उन्होंने कई तेलुगु, तमिल, मलयालम फिल्में भी की। तेलुगु सिनेमा में नोरा ने कई आइटम नंबर्स पर परफॉर्म किया है। नोरा फतेही को बॉलीवुड में पॉपुलैरिटी जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म सत्यमेव जयते के आइटम नंबर दिलबर सॉन्ग से मिली। नोरा की कुछ साल पहले रिलीज हुई फिल्म स्ट्रीट डांसर में उनके डांस के साथ साथ उनकी एक्टिंग को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया, जिसके बाद से खबरें आ रही हैं कि अब नोरा को बागी 4 के लिए अप्रोच किया गया है। नोरा बागी 4 में नेगेटिव रोल में नजर आ सकती है। टाइगर के अपोजिट मेल नेगेटिव रोल की को एक्ट्रेस के तौर पर देखने को मिल सकती है नोरा। इसी के साथ ही खबर ये भी है कि उनका फिल्म में एक स्पेशल आइटम सॉन्ग होगा, जो कि लाजमी है। अगर नोरा फतेही है तो आइटम सॉन्ग होना तो बनता ही है। ये तो हम सब जानते हैं कि नोरा के सभी आइटम सॉन्ग हमेशा ही सुपर हिट रहे हैं। जिस फिल्म के लिए नोरा आइटम सॉन्ग पर परफॉर्म करती है उस फिल्म के लिए ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो जाता है। तो इस बार देखते हैं कि बागी 4 में किस तरह का कमाल दिखाती है नोरा फतेही। नोरा के रोल के लिए अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसके ऊपर फिल्म मेकर्स की तरफ से कंफर्मेशन आ जाएगी। आप भी इंतजार कीजिए और हम भी अगली खबर आने तक इंतजार करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। साथ ही आगे की सभी अपडेट्स और बैक स्टोरीज के लिए हमारे चैनल आ रहा है बागी 4 में। और बागी 4 में कौन होगा विलेन के रोल में? क्या ये एक्शन और बदले से भरपूर होगा? और आखिर साजिद ने बागी फ्रेंचाइजी पर क्या क्या कहा?
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। 5 से 6 साल में एक फ्रेंचाइजी की अगर चौथी फिल्म का आना अब तय हुआ है तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ तो बात होगी ही इस मूवी में। ये काफी ही काबिले तारीफ बात है कि इस फ्रेंचाइजी से जुड़ा हर एक इंसान काफी ज्यादा मेहनत करता है। ये फ्रेंचाइजी हॉलीवुड की थॉर सीरीज से कम नहीं है। ज्यादा पहेलियां ना बुझाते हुए बता दें कि हम बात कर रहे हैं बागी फ्रेंचाइजी की आने वाली मूवी बागी 4 की, जिसमें पहले की तरह टाइगर ही एक बार फिर बागी बनने जा रहे हैं। लेकिन बागी 4 को लेकर सबके दिमाग और दिल रुके हुए हैं बागी 4 की आने वाली कहानी पर कि किसको बचाते नजर आएंगे टाइगर इस बार मूवी में और किसके खिलाफ हथियार उठाएंगे टाइगर। फिल्म की कहानी को लेकर काफी सारी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन निर्देशकों का कहना है कि ये सब एक अफवाह से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिल्म की कहानी इस बार कुछ अलग होगी। अलग से क्या मतलब है अब आपका निर्देशक साहब? क्या आप श्रद्धा और दिशा में से तो किसी को बागी नहीं बना रहे, जैसे थॉर में लेडी थॉर को बनाया गया? इस आने वाली बागी 4 में टाइगर ज्यादा से ज्यादा बाहर यानी आउटडोर स्टंट करते नजर आ रहे हैं, और सुनने में आया है कि इस बार टाइगर ने फीस भी ज्यादा ली है, जिसकी सूचना मजाक में निर्देशक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये कहकर कर दी, टाइगर इस मूवी का हिस्सा है, हमें खुशी है, लेकिन टाइगर यार तूने जेब ढीली कर दी। अब भाई निर्देशक साहब, या तो हीरो देख लो या बेहतरीन हीरो, इतना तो आप मूवी से कमा ही लोगे जो अगली बार रिलीज होगी, फिर टाइगर को अपनी बागी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बना सके। इसी के साथ एक फिल्म को बनाने में हीरो के साथ साथ विलेन का भी भरपूर सहयोग होता है। अगर बागी के विलेन रोल की बात करें तो इस रोल में सब पुराने ही किरदार शामिल होंगे। बस फर्क है इस बार बागी के दुश्मन पहले से ज्यादा ताकतवर होंगे, जिसके कारण फिल्म काफी रोमांचक भरी होने वाली है। इतना ही नहीं, इस फ्रेंचाइजी की पहली आ चुकी और आने वाली फिल्मों के बारे में साजिद कहते हैं कि बागी 1 से लेकर बागी 4 तक हम सब ने काफी कमाया है। इसी के साथ ये फिल्में बॉलीवुड की चुनिंदा फिल्मों में से रही है जिसमें हमने दर्शकों को अच्छे से अच्छे देने की कोशिश की है। यही नहीं, इस फ्रेंचाइजी की मूवी ने हर वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि दिशा, श्रद्धा और टाइगर आज के युवा वर्ग की जान है और हमने उसी जान को अपनी फिल्मों की जान बना लिया है। तो आपको क्या लगता है बागी 4 की स्टोरी किस आदर्श जोड़े के साथ की जाएगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको किसको बागी 4 में टाइगर के साथ देखना पसंद है। और आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही हमारे पार्टनर बागी 4 से कब धमाल मचाने वाले हैं, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें, और क्या जैकी श्रॉफ ने किया इन दोनों के रिश्ते का खुलासा? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ अपनी फिल्मों के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। जल्द ही उनकी बागी 4 आने वाली है, जिसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। इसे अहमद खान डायरेक्ट करने वाले हैं और दिशा और टाइगर एक बार फिर से धमाल मचाने को तैयार है इस फिल्म से। वहीं आपको बता दें, पिछले काफी टाइम से वो दिशा को डेट कर रहे हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर इन दोनों ने कभी ये पुष्टि नहीं की है, लेकिन अब जैकी श्रॉफ ने इसके बारे में धमाकेदार खुलासा किया है। आपको बता दें, टाइगर और दिशा पाटनी को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता है, दोनों आए दिन लंच करते हैं, डिनर डेट पे जाते हैं, दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी पसंद की जाती है। हाल ही में दिशा पाटनी ने अपने बर्थडे पर टाइगर और उनकी बहन कृष्णा के साथ सेलिब्रेशन किया था और इसकी तस्वीरें भी शेयर की थी, कृष्णा श्रॉफ ने भी शेयर की थी। टाइगर और दिशा भले ही अपने रिश्ते को छुपाते हों, कुछ ना बताते हों, लेकिन अब जैकी श्रॉफ ने उनके रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि टाइगर 25 साल की उम्र से डेट कर रहे हैं। जैकी श्रॉफ ने कहा, मेरे बेटे ने 25 साल की उम्र से डेटिंग करना शुरू कर दिया था, वो दोनों वास्तव में बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपने भविष्य के लिए क्या फैसला किया है, लेकिन मुझे एक बात पर यकीन है कि टाइगर अपने काम को लेकर बेहद फोकस्ड है। इसके बाद वो कहते हैं कि कोई नहीं, चाहे वो उसकी माँ हो, पिता हो, बहन हो, गर्लफ्रेंड हो, टाइगर के लिए उसके काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। टाइगर और उसके काम के बीच कोई नहीं आ सकता, वो अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और वो दिखता भी है दोस्तों उनकी फिल्मों में। उनकी एक्टिंग से लेके एक्शन सीन्स इतने सटीक होते हैं, टाइगर श्रॉफ हमेशा बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं अपने काम को लेकर। इसके अलावा टाइगर की बहन ने भी कुछ कहा इसके बारे में, उन्होंने कहा कि टाइगर अपने फैसले लेने के लिए किसी पे भी निर्भर नहीं है। वो कहती है कि वो अपने भाई को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत एडल्ट है और अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, कृष्णा का मानना ये है।
और वो जानते हैं कि क्या सही है उनके लिए और क्या गलत है। और टाइगर की बहन ने साथ ही ये कहा कि उन्हें नहीं लगता कि टाइगर को कोई भी सलाह देने की ज़रूरत है। वहीं आपको बता दें, टाइगर और दिशा काफ़ी वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, दोनों वेकेशंस पर जाते हैं। टाइगर की बहन कृष्णा भी उनके साथ बहुत बार स्पॉट की जाती है और अब टाइगर और दिशा की यही केमिस्ट्री बड़े पर्दे पर एक बार फिर से दिखने वाली है बागी 4 के ज़रिए। लास्ट टाइम आपको याद हो 2020 में रिलीज़ हुई थी बागी 3, उसके जस्ट बाद एक हफ्ते का भी टाइम नहीं लगा होगा और फिर लॉकडाउन हो गया, जिस वजह से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। लेकिन अब बागी 4 को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारियां ऑलरेडी करी जा चुकी है और इस बार भी बहुत जगह इसकी शूटिंग होनी है। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं बागी 4 का? किया है टाइगर श्रॉफ ने और बागी 4 के सेट पर क्या खिचड़ी पक रही है प्राउल की? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट, और मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज़ में। तो लो मैं आ गया अपने कपड़ों का राज लेकर, लो मैं आ गया जी। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे टाइगर साहब कह रहे हैं। सबका मानना है कि टाइगर हमेशा इतने स्टाइलिश और सरल कैसे रह लेते हैं, तो आज हम आपको बता देते हैं कि क्या है उनके इस स्टाइल का राज। फिल्म स्टार जैकी श्रॉफ के बेटे और एक्टर टाइगर श्रॉफ भी अब लाइफस्टाइल बिजनेस में उतर आए हैं। टाइगर श्रॉफ से पहले भी कई फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस लग्जरी लाइफस्टाइल के बिजनेस में उतर चुके हैं। हर किसी के नाम से उनका ब्रांड है, जैसे ऋतिक रोशन का HRX जो काफ़ी पॉपुलर और जिम वेयर देता है, सलमान खान, अनुष्का, सैफ, करीना, सबके अलग अलग ब्रांड्स हैं। तो आपको बता दें कि अपने ब्रांड के बारे में बताते हुए टाइगर ने कहा, मैं इस ब्रांड की शुरुआत से इसका हिस्सा रहा हूँ और मुझे हर पड़ाव पर इससे जुड़ी चीज़ में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। ये ब्रांड मेरी शख्सियत का नमूना है और मैं ऐसे ही रहता हूँ। मैं दिन भर एक्टिव रहना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं कुछ स्टाइलिश बढ़िया दिखने वाले लेकिन सहज कपड़े पहनना ही पसंद करता हूँ और ये ब्रांड उसके लिए एकदम फिट है। साथ ही पैशन के साथ फैशन की कड़ी में अब टाइगर श्रॉफ का भी नाम जुड़ गया है। तो टाइगर श्रॉफ ने प्राउल ब्रांड के साथ लाइफस्टाइल बिजनेस में कदम रखा है। ये ब्रांड टाइगर ने मोजो स्टार के साथ सहयोग से खोला है। इसी के साथ ये मोजो स्टार का पहला ब्रांड बन गया है। प्राउल ब्रांड के साथ टाइगर श्रॉफ युवा लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, जो कि उनकी फिटनेस के साथ उनके लाइफस्टाइल को भी कॉपी करना चाहते हो। इस फैशन प्रस्त ब्रांड के जरिए कंपनी का मकसद बेहद स्टाइलिश कपड़े व एसेसरीज उपलब्ध कराना है। टाइगर श्रॉफ ने ब्रांड के बारे में ट्वीट करके अपनी खुशी भी जाहिर की है। तो इससे जुड़ी एक खास और ज़रूरी बात आपको बता दें कि बागी 4 और हीरोपंती 2 की ज़्यादातर कास्ट फिल्म में इसी ब्रांड के कपड़ों को पहनने वाली है, क्योंकि टाइगर अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी आम इंसान को उन्हें ये कपड़े पहनाने हैं तो सबसे पहले उन्हें खुद और खुद की टीम पर इसका कम्फर्ट लेवल चेक करना होगा, तभी लोग इसे खरीदेंगे। और बात भी सही है, जो काम आप खुद नहीं कर सकते वो किसी और को करने को कैसे कह सकते हो। तो बागी 4 के इंतज़ार में एक और नया तड़का ऐड हो गया है, जिसके लिए तो अब बागी 4 का इंतज़ार लाजमी सा हो गया है। खैर, आपको बागी 4 का इंतज़ार किस लिए है? टाइगर के लिए या उनके सहज कपड़ों के लिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के सदले से होगा भरपूर, किसने जेब ढीली कर दी साजिद की। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। आज के वीडियो में जिसकी बात करने जा रहे हैं, उस फिल्म के निर्देशक अपनी फ्रेंचाइजी से काफी ज्यादा जाने लगे हैं। 5-6 साल में एक फ्रेंचाइजी की अगर 4वीं फिल्म का आना अब तय हुआ है तो क्या आपको नहीं लगता कुछ तो बात होगी ही उस मूवी में? यह काफ़ी ही काबिले तारीफ बात है कि इस फ्रेंचाइजी से जुड़ा हर एक इंसान काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ये फ्रेंचाइजी हॉलीवुड की थोर सीरीज से कम नहीं। ज़्यादा पहेलियां ना बुझाते हुए बता दें कि हम बात कर रहे हैं बागी फ्रेंचाइजी की आने वाली मूवी बागी 4 की, जिसमें पहले की तरह टाइगर ही एक बार फिर बागी बनने जा रहे हैं। लेकिन बागी 4 को लेकर सबके दिमाग और दिल रुके हुए हैं बागी 4 की आने वाली कहानी पर कि किसको बचाते नजर आएंगे टाइगर इस बार मूवी में, किसके खिलाफ हथियार उठाएंगे टाइगर। फिल्म की कहानी को लेकर काफी सारी खबरें सामने आई, लेकिन निर्देशकों का कहना है यह सब एक अफवाह से ज्यादा कम नहीं, क्योंकि फिल्म की कहानी इस बार कुछ अलग होगी। अलग से क्या मतलब है आपका निर्देशक साहब? क्या आप श्रद्धा और दिशा में से तो किसी को बागी नहीं बना रहे, जैसे थोर में लेडी थोर को बनाया गया? इस आने वाली बागी 4 में टाइगर ज्यादा से ज्यादा बाहर यानी आउटडोर स्टंट करते नजर आ रहे हैं
और सुनने में आया है कि इस बार टाइगर ने फीस भी ज्यादा ली है, जिसकी सूचना मजाक में निर्देशक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह कहकर दी, टाइगर इस मूवी का हिस्सा है, हमें खुशी है, लेकिन टाइगर यार तूने जेब ढीली कर दी। अब भाई निर्देशक साहब, या तो हीरो देख लो या बेहतरीन हीरो, इतना तो आप मूवी से कमा ही लोगे जो अगली बार फिर टाइगर को अपनी बागी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बना सके। इसी के साथ एक फिल्म को बनाने में हीरो के साथ साथ विलन का भी पूरा सहयोग होता है। अगर बागी के विलन रोल की बात करें तो इस रोल में सब पुराने ही किरदार शामिल होंगे, बस फर्क है इस बार बागी का दुश्मन पहले से ज्यादा ताकतवर होगा, जिसके कारण फिल्म काफी ज्यादा रोमांचक होगी। इतना ही नहीं, इस फ्रेंचाइजी की पहले आ चुकी और आने वाली फिल्मों के बारे में साजिद कहते हैं कि बागी 1 से लेकर बागी 4 तक हम सब ने काफी कमाया है। इसी के साथ यह सभी फिल्मों की चुनिंदा फिल्मों में से रही जिसमें हमने दर्शकों को अच्छे से अच्छा देने की कोशिश की। यही रही, इस फ्रेंचाइजी की मूवी ने हर वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि दिशा, श्रद्धा और टाइगर आज के युवा वर्ग की जान है और हमने उसी जान को अपनी फिल्मों की जान बना लिया है। साथ ही बागी 4 आने वाली है 2022 की बेहतरीन फिल्मों में से एक होगी, जिसे दर्शकों की मांग पर बनाया गया है, तो उसकी कहानी तो अलग रखनी ही पड़ेगी। वाह भाई, मानना पड़ेगा साजिद साहब, पक्का गुजराती दिमाग पाया है आपने। आपको क्या लगता है बागी 4 की स्टोरी किस आदर्श जोड़े के साथ की जाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किसको बागी 4 में टाइगर के साथ देखना चाहते हैं। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश नहीं मिल रही है फिल्म बागी 4 के लिए परफेक्ट हीरोइन। कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग और क्या कुछ धमाकेदार होने वाला है इस फिल्म में? हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका और आप देख रहे हैं बॉलीगेट स्टूडियोज। जब रोमांस, एक्शन और थ्रिलर की बात की जाए तो बागी सीरीज अपने फैंस का दिल जीतना बहुत अच्छे से जानती है। बागी सीरीज के तीनों पार्ट फैंस को काफी पसंद आए और अब अपने एक्शन स्टार फ्रेंचाइजी अगले इंस्टॉलमेंट के लिए एकदम तैयार है। बागी बॉलीवुड की सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइजीज में से एक है, जहां टाइगर श्रॉफ ने अपनी सारी पिछली फिल्म्स में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। उन्हें अपनी टोन मसल्स को फ्लॉन्ट करने और हाई ड्रामा एक्शन सीक्वेंस को परफॉर्म करने का मौका मिला है। बागी 1 और बागी 3 में जहाँ श्रद्धा कपूर लीड फीमेल रोल में नजर आई, वही बागी 2 में टाइगर श्रॉफ के साथ दिशा पटानी देखी गई। टाइगर श्रॉफ आने वाले दिनों में कई फिल्मों में नजर आने वाली हैं, जिनमें उनकी बागी 4, हीरोपंती 2 और गणपत शामिल है, जिसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। इन सारी फिल्मों की अनाउंसमेंट काफी समय पहले ही हो चुकी थी। फिलहाल कहानी के प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला इस फिल्म की कहानी को लिखने के लिए एक टीम जुटा रहे हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर चाहते हैं कि इस फिल्म की कहानी और भी ज्यादा मजबूत हो। बागी सीरीज में एक्शन दमदार है, वहीं बागी 4 में टाइगर फिर से धमाका करते नजर आएंगे। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि बागी 4 में टाइगर की अपोजिट कौन सी हीरोइन होने वाली है। तो आपको बता दें कि इसके लिए चार हीरोइंस पर विचार चल रहा है, जिसमें पहला नाम है जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन फिल्म बागी 4 के लिए परफेक्ट और दमदार एक्ट्रेस है। साजिद की कई पहली फिल्मों में भी काम कर चुकी जैकलीन को आपने टाइगर के साथ फ्लाइंग जेट में तो जरूर देखा होगा। इसी कड़ी में दूसरा नाम आता है पूजा हेगड़े का। पूजा हेगड़े ने भी कम समय में बॉलीवुड में अपनी बहुत लंबी पहचान बना ली। उन्हें आपने साजिद की पिछली रिलीज हाउसफुल 4 में जरूर देखा होगा, लेकिन क्या पता हो सकता है कि बागी 4 में वो टाइगर का साथ देती नजर आए। इसी कड़ी में तीसरा नाम है दिशा पटानी। दिशा पटानी को आपने टाइगर के साथ बागी 2 में देखा होगा। जब से सारा अली खान ने डेब्यू किया है, तब से ऐसी खबरें आ रही हैं कि टाइगर और सारा को एक साथ फिल्म में काम करते देखा जाएगा। आपको बता दें कि सारा ऑलमोस्ट हीरोपंती 2 के लिए फिक्स हो चुकी थी, लेकिन एनसीबी के समन और बाद की कार्यवाही के चलते साजिद ने उन्हें अपनी लिस्ट से हटा दिया और उन्हें रिप्लेस कर दिया तारा सुतारिया के साथ। लेकिन साजिद इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, उन्होंने सारा से प्रॉमिस किया था कि वो उसे एक फिल्म देंगे। इसी के चलते ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन चार हीरोइंस में से एक नाम सारा अली खान का भी हो सकता है, जो फिल्म बागी 4 में टाइगर का साथ देती नजर आएंगी। हालांकि जब साजिद नाडियावाला की करीबी से इस फिल्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि बागी 4 तो अभी बहुत दूर है, वे इस साल के अंत तक इस फिल्म की शुरुआत भी नहीं करने वाले हैं। और रही बात कास्ट की, तो अभी उन्होंने ये सोचा नहीं है कि वो हीरोइन के रोल में किसे तो पहले भी था,
अब नया क्या है बागी 4 में? अहमद ने क्या कहा अपनी सफलता को लेकर? क्या अहमद चुनौतियों को पसंद करने वाले इंसान है? नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति, और आज हम बात करने वाले हैं अहमद खान की फिल्म बागी 4 से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में बाल कलाकार के तौर पर शुरुआत करने वाले अहमद खान का हुनर दुनिया ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला में देखा। सुभाष घई ने उन्हें फिल्म ताव में कोरियोग्राफर बनाया, लेकिन किस्मत ने उन्हें बना दिया फिल्म निर्देशक। अहमद की नई फिल्म बागी 4 अब रिलीज होने को तैयार है। बता दें, निर्देशक अहमद खान को अपनी फिल्मों के एक्शन के लिए तमाम पुरस्कार भी मिल चुके हैं, लिहाजा इसमें पहला सवाल यही होता है कि टाइगर श्रॉफ का एक्शन दर्शकों ने बागी की पिछली किस्तों में भी देखा है। फिल्म वॉर में तो वो दुनिया के नामचीन स्टंट निर्देशकों के साथ भी काम कर चुके हैं, तो बागी 4 में अलग क्या होगा? अहमद खान एक्शन में इमोशन के पेच फंसाते हैं। एक्शन में हमेशा दो चीजें ही चाहिए होती है, थोड़ा सा नयापन और उसका भावनाओं से जुड़ाव। बागी 4 में हमने एक्शन का स्तर पिछली फिल्मों से काफी बड़ा रखा है। फिल्म के सारे एक्शन लाइव शूट किए जा रहे हैं। फिल्म में कुछ भी यूं ही नहीं होगा, हर चीज के पीछे एक वजह होगी। बता दे कि अहमद खान को काम करते हुए 30 साल से ऊपर हो चुके हैं। अहमद की नजर में सफलता जल्दी हासिल हो जाती है, तो उसे बनाए रखना मुश्किल होता है। इस पर अहमद कहते हैं, मैं हूँ 90 के दशक का। मेरे साथ के जितने भी लोग फिल्मकार कोरियोग्राफर हैं, वे या तो खत्म हो चुके हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे आज ऐसा लगता है कि मैं अपने करियर के शीर्ष पर हूँ। इस वजह से ही मैं बहुत अधिक खुलकर सामने नहीं आता हूँ। मुझे हर साल 4 से 5 रियलिटी शो ऑफर होते हैं, लेकिन मैं 2 साल में कोई एक करता हूँ। मैंने गाने अधिक नहीं किए हैं, और जो भी करता हूँ उसे थोक बजा कर करता हूँ। जब हमें सफलता पहले मिल जाती है, तो उसे बनाए रखना एक चुनौती होती है। अहमद खान की मुख्य पहचान अब भी कोरियोग्राफर वाली ही है। देश में डांस की दिशा और दशा के बारे में वह कहते हैं, मैंने अपने कोरियोग्राफी करियर में एक चीज अनुभव की है कि भले विदेशों में समानता बनी रहे, भारत में ये लगातार बदलते रहता है। डांस में मॉडर्न, वेस्टर्न, स्लो मोशन, भांगड़ा जैसे ट्रेंड बारी बारी से आए और चले भी गए। हम हमेशा सीखना चाहते हैं। हम चुनौतियों को पसंद करने वाले लोग हैं। इसी हिसाब से बागी 4 में काफी कुछ दिखने वाला है, तो बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा और हमारी आने वाली वीडियोस का, जिसमें हम आपको अपनी सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हमारे YouTube चैनल बॉलीवुड स्टूडियो। आखिर कौन किडनैप हो जाएगा बागी 4 में? क्यों लोग ये फिल्म देखकर हो जाएंगे भावुक? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। माँ बेटे का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता, ये कहावत सभी ने सुनी होगी। पर क्या आपको पता है ऐसी ही कुछ होने वाली है टाइगर की फिल्म की थीम? तो आइए देखते हैं क्या होगा टाइगर की आने वाली बागी 4 में। बागी 4 में एक बेहद उम्दा और अनोखे सोच को दिखाने की तैयारी में है फिल्म मेकर्स। जी हाँ दोस्तों, बागी 4 में कुछ अलग और भावुक दिखाया जाएगा। दरअसल बागी 4 में माँ बेटे के रिश्ते पर फोकस किया जाएगा, और इसमें माँ बेटे की एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और बलिदान की भावना दिखाई जाएगी। जहाँ माँ बेटे के लिए हर चीज को त्यागने के लिए तैयार हो जाती है, तो वहीं बड़ा होकर जब बेटा कमाने लगता है तो बस अपनी माँ को खुश करने के लिए हर वो चीज ला देता है और कर देता है जिससे उसे लगता है कि उसकी माँ खुश हो जाएगी। बचपन में माँ अपने बच्चों के दुखी नहीं देख सकती, और बड़े होकर वही बच्चे अपनी माँ को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। माँ के मुँह से निकली हर एक बात बच्चों के लिए जैसे पत्थर की लकीर हो जाती है। यहाँ हम अच्छे वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। बागी में टाइगर की गर्लफ्रेंड यानी कि श्रद्धा कपूर किडनैप हो गई थी। बागी 2 में टाइगर की गर्लफ्रेंड की बेटी किडनैप हो जाती है, जिसे उसके खुद के पिता ने किडनैप करवाया होता है, और जब उन्हें पता चलता है कि वो उनकी बेटी नहीं है। तो वहीं बागी 3 में टाइगर का भाई यानी रितेश देशमुख किडनैप हो जाता है। यही किडनैपिंग की यात्रा को अब बागी 4 में मेकर्स बरकरार रखना चाहते हैं, और इसलिए ही तो फिल्म में अब टाइगर की खुद की माँ किडनैप हो जाएगी, और ये किडनैपिंग करेगा टाइगर का सबसे बड़ा और शक्तिशाली दुश्मन। जैसे दबंग में जब चुलबुल पांडे की माँ को गुंडा मार देता है, तो चुलबुल का दुख सभी को महसूस होता है और लोग भावुक हो जाते हैं। यही भावुकता लोगों को चुलबुल की माँ या चुलबुल के लिए तो आती है, पर इस भावुकता के पीछे का सबसे बड़ा कारण माँ बेटे का रिश्ता होता है।
हर एक बच्चे अपने माँ बाप को चुलबुल की जगह रख कर देखते हैं और उसे होने वाले दुख की वजह से उनकी आंखें भर आती हैं। ऐसी ही भावुकता बागी 4 में भी दिखाई जाएगी। बागी 4 में टाइगर की माँ की हालत देख सभी दर्शकों को तरस तो आएगा ही, पर तरस के अलावा वो माँ की अच्छाई देख कर भी भावुक होते दिखेंगे। टाइगर भी अपनी माँ को गुंडों के कब्जे से बचाने के लिए बेचैन रहेंगे। वो इतने बेचैन और हड़बड़ाहट में होंगे कि एक एक मिनट उनके लिए भारी लगेगा। तो क्या लगता है आपको कि माँ बेटे के रिश्ते पर आधारित ये फिल्म आएगी लोगों को पसंद? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो क्या क्या राज खोले टाइगर ने अपने और श्रद्धा के बारे में? क्या आने वाले हैं फिर से बचपन के दोस्त साथ? असल जिंदगी में टाइगर किसके लिए बागी हैं? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपकी दोस्त होस्ट मैं अनविता एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने और स्वागत करती हूँ आपको बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में। दोस्तों आज हम आपसे बागी फ्रेंचाइजी की उन फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो काफी शानदार रही थी। फिल्मों में टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर, दिशा, रितेश देशमुख काफी अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन इन सब में टाइगर और श्रद्धा जो कि बचपन के दोस्त हैं, दोनों से ही जब बातचीत हुई तो दोनों ने खोले एक दूसरे के छुपे हुए राज जो शायद एक दोस्त ही अपने दोस्त के बारे में खोल सकता है। टाइगर ने बताया कि अपनी बचपन के दोस्त के साथ काम करना काफी कंफर्टेबल था। हम बचपन से दोस्त हैं और एक ही स्कूल में गए हैं। मैं उनकी पहली ही फिल्म से उनका फैन हूँ। वर्कशॉप के दौरान उनके साथ स्क्रिप्ट पढ़ना काफी मजेदार होता था। ऑफ स्क्रीन हम काफी मस्ती करते थे, बातें करते थे और नाचना तो लाजमी होता था। बागी स्टार टाइगर ने कहा कि असल में मैं बागी नहीं हूँ, मेरा जिस पर विश्वास है उसके साथ खड़े रहता हूँ और इसके लिए यदि मुझे बागी बनना पड़े तो क्यों नहीं। वैसे असल जिंदगी में मैं मेरी माँ के लिए बागी हूँ। साथ ही टाइगर अपने पापा जैकी श्रॉफ के लिए कहते हैं कि वो अब भी बागी हैं। मैं अपने हाथ नीचे करता हूँ, वो बड़े बागी हैं। यहाँ किसी तरह की कोई तुलना नहीं है। साथ ही टाइगर ने अपने लगातार एक्शन मूवीज पर बताया कि मुझे किसी भी वर्ग में डालना अभी जल्दबाजी होगी, मैं सब करने की कोशिश कर रहा हूँ और बागी में मैंने थोड़ा बहुत सब कुछ ट्राई किया। रोमांस फिल्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है और श्रद्धा के साथ कम्फर्ट लेवल था क्योंकि मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। बागी स्टार टाइगर बताते हैं कि मैं फिल्म में जो हूँ असल जिंदगी में उससे उलझ हूँ। दरअसल कॉलेज में मैं ज्यादा मस्त रहता था लेकिन मैं काफी तेज भागता था और हमेशा भाग जाया करता था। मैं इस फिल्म का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इसके जरिए मैंने एक्शन में काफी कुछ सीखा है। बाकी मैं एक रियल लाइफ में सीधा साधा बच्चा हूँ। वो तो हम जानते ही हैं टाइगर आप कितने शरीफ हैं रियल लाइफ में, क्योंकि आपके पापा जैकी दादा बहुत से राज आपके बारे में पहले ही खोल चुके हैं। अब टाइगर के वर्क फ्रंट की बात करें तो टाइगर वॉर 2, हीरोपंती 2, बागी 4 आदि में नजर आने वाले हैं। सभी फिल्में अगले साल तक प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगी। उम्मीद करते हैं कि किसी एक फिल्म में तो हमें टाइगर और श्रद्धा की जोड़ी दोबारा देखने को मिले। क्या आप इस बचपन की जोड़ी को एक साथ देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें आखिर किन गलतियों को सुधारने में लगे हुए हैं साजिद नाडियावाला? किस तरीके से लिखे जाने वाली है इस बार बागी 4 की स्क्रिप्ट? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियो के फ्रेश न्यू वीडियो में, जहां आपको मिलेंगी फिल्मी जगत से जुड़ी हर तरीके की लेटेस्ट अपडेट, हॉट गॉसिप्स और टॉप कंट्रोवर्सीज। अपने रॉ स्टाइल, डैजलिंग स्माइल, वर्सेटाइल एक्टिंग एंड हीरोइक स्टंट से सभी को अपना दीवाना बना चुके स्टार किड जूनियर श्रॉफ बॉलीवुड में अपने 7 साल पूरे कर चुके हैं। टाइगर श्रॉफ उन चुनिंदा बॉलीवुड एक्टर्स में से हैं जो अपने स्टंट्स खुद परफॉर्म करते हैं। मटेरियल आर्ट से लेकर माइकल जैक्सन जैसे डांसिंग मूव तक सब चीज में माहिर है। बॉलीवुड के यंग स्टार में ऐसा कोई भी नहीं है जो टाइगर श्रॉफ को पूरी तरीके से टक्कर दे पाए, इसलिए टाइगर को बॉलीवुड का कंप्लीट ऑल इन वन पैकेज भी कहा जाता है। हीरोपंती फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले टाइगर श्रॉफ आज कई सारी सुपरहिट फिल्म्स का हिस्सा रह चुके हैं। सुपरहिट फ्रेंचाइजी बागी से आज टाइगर करोड़ों का दिल जीत रहे हैं। बागी की फर्स्ट सीक्वल में श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ एक साथ एक्शन सीन्स करते हुए नजर आए थे। इस फिल्म ने टाइगर श्रॉफ को रातों रात सुपरहिट बना दिया था। टाइगर श्रॉफ साजिद नाडियावाल को अपना मेंटर मानते हैं। उनका मानना है कि साजिद ने उन पर भरोसा करते हुए उन्हें अपनी फिल्म हीरोपंती में साइन किया और बागी जैसी इतनी बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनाया। इसके बाद से बागी की हर एक सीक्वल से टाइगर श्रॉफ को सिर्फ सक्सेस मिलती रही है।
एक इंटरव्यू के दौरान टाइगर श्रॉफ ने कहा था, हंगर टू बी बेटर माईसेल्फ इंक्रीजिंग विद एवरी पासिंग डे, और खुद को पहले से बेहतर बनाने की उनकी यह भूख बागी की हर एक सीक्वल में नजर आती है। हर सीक्वल में अपने कमाल एक्टिंग स्किल्स के बावजूद टाइगर को और ज्यादा खुद को निखारने का जुनून सवार रहता है और हर बार फिल्म में उनका एक नया रूप देखा जाता है। दर्शकों को बागी का हर एक सीक्वल इतना ज्यादा पसंद आता है कि हर साल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर यह प्रेशर बन जाता है कि वो अगली फिल्म को कैसे और बेटर बनाए। साजिद नाडियावाला का ये कहना था कि बागी 3 में कुछ कमियां रह गई थी जिस वजह से ये उतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म नहीं बन पाई जितना वो इसे बनाना चाहते थे। बागी 3 की अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद साजिद नाडियावाला ने हार नहीं मानी और एक इंटरव्यू के दौरान क्लियर किया कि वो इस फ्रेंचाइजी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और बागी 4 में वो उन सभी कमियों पर काम करेंगे जो बागी 3 में रह गई थी, जिसके लिए उन्होंने कुछ साल पहले से ही स्क्रिप्ट पर अपनी फिल्म की राइटिंग टीम के साथ काम करना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण भी फिल्म उतना ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाई थी जितना ज्यादा फिल्म से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। बावजूद इसके OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म की सक्सेस इमेजिनेशन के बाहर थी। साजिद नाडियावाला ने कमिटमेंट ली है कि बागी 4 की सक्सेस से वो रेस में वापस आएंगे और इस बार वो एक पावरफुल स्टोरी के साथ बागी 4 को रिलीज करेंगे। बागी 4 की शुरुआत होगी 2022 में और उससे पहले टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरोपंती की सीक्वल हीरोपंती 2 की शूटिंग कंप्लीट की जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि ये स्क्रिप्ट इस बार कोई ओरिजिनल प्लॉट के साथ लिखा जाएगा या फिर दोबारा किसी टॉलीवुड फिल्म का ही रीमेक बना दिया जाएगा। आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमारे चैनल